चलिए दोस्तों, यहाँ पर 8 ओवर 1 गेंद हो चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नेट में प्रॉब्लम आ गया था, मगर जी हाँ, अभी जो है मैच स्टार्ट हो चुका है और जाफर बैटिंग कर रहा है। और इस बार बॉल काफ़ी बेहतरीन शॉट लगाया था कवर की तरफ, अच्छी बॉल थी जिसको कट किया था। और इसी के साथ 8 ओवर 1 गेंद हो चुके हैं, 8 ओवर 1 गेंदों पे 30 रन बने विदाउट, 31 रन, 8 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं भाई। आपको बता दें 8 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं, 8 ओवर 2 गेंदों पे 31 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस। तो चलिए देखते हैं, 8 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं, फिर से एक बार यहाँ पर बॉलिंग जो डाल रहे हैं वो काफ़ी कमाल के बॉलर हैं। और आपको बता दें इसका नाम जो है, थोड़ा सा वेट कीजिए आपको मैं बता दूँ, कनिसा आइजैक, कनिसा आइजैक बॉलिंग डालने के लिए तैयार इस ओवर की 3री गेंद। और सामना करेंगे भाई मुनीबा अली, जी हाँ मुनीबा अली सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर राउंड लेकर बॉल करता हुआ, इस बार मुनीबा अली फ्लिक कर दिया बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पर दौड़कर बॉल को फील्ड करे तब तक सिंगल लेता हुआ मुनीबा अली। और इसी सिंगल के साथ मुनीबा अली पहुंच चुके हैं 23 रनों के स्कोर पे, और आयशा जाफर 8 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं। और स्कोर हो चुका है 8 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं, 8 ओवर 3 गेंदों के बाद 32 रन विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। 8 ओवर 3 गेंदे हो चुके हैं, 8 ओवर 3 गेंदों पे 32 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस। तो भाई फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे आयशा जाफर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार फुल लेंथ की बॉल, बॉल को ड्राइव कर दिया कवर की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी के साथ चौथा गेंद हो चुका है आइजैक का, कनिसा आइजैक काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, ये इनका पहला ओवर है। और इसी के साथ स्कोर जो है बन चुके हैं 8 ओवर 4 गेंदों के बाद 32 रन विदाउट एनी लॉस। आइजैक की अगर बात करें तो आइजैक काफ़ी कमाल के बॉलर हैं। अभी तक आइजैक ने, आपको बता दें कि आइजैक ने अभी तक, जी नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करूँ, और इस बार काफ़ी बेहतरीन गेंद, बॉल को ड्राइव कर दिया कवर की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। आयशा जाफर और मुनीबा अली इन दोनों के बीच अभी तक कुल 32 रनों की पार्टनरशिप बन चुके हैं 53 गेंदों पे। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक ज़रूर कीजिएगा। 8 ओवर 5 गेंदों के बाद 32 रन बना है विदाउट एनी लॉस। और यहाँ पर फिर से एक बार बैटिंग करता हुआ आयशा जाफर, और इस ओवर की आखिरी गेंद, और यहाँ पर फिर से एक बार डॉट बॉल होता हुआ। इस बार बॉल फ्लोर बॉल था, बॉल को बैकफुट में जाकर ड्राइव कर दिया था पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं। और इसी के साथ 9 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 9 ओवर में पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर जो है वो 32 रन बना है विदाउट एनी लॉस। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ बने रहिए। लगता है कि बॉलिंग पे शायद चेंजेस होने वाले हैं, तो इसके लिए मैथ्यूज, जी हाँ मैथ्यूज आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, अपना पहला ओवर डालेंगे मैथ्यूज। मैथ्यूज आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए। निशित एम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, पहला कमेंट आपका आया नीतीश एम जी, थैंक यू सो मच भाई नीतीश एम जी, और जुड़ने के लिए थैंक यू। मैथ्यूज आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए, नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, आपका स्वागत है नीतीश जी। और मुनीबा अली, मुनीबा अली है बैट्समैन, और सामना करेंगे यहाँ पर, बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैथ्यूज आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए, और पहला गेंद डालने के लिए तैयार यहाँ पर मैथ्यूज। और बॉल को ड्राइव करने की कोशिश किया था ऑफ साइड की तरफ, मगर कोई फायदा नहीं है, फील्डर वहां पर मौजूद है, कोई रन नहीं, 9 ओवर 1 गेंद हो चुके हैं, 9 ओवर 1 गेंदों पे 32 रन ही बने हैं। मैथ्यूज फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 2री गेंद, जी हाँ मैथ्यूज फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 2री गेंद,
सामना करेंगे यहाँ पर मुनीब अली। लेफ्ट हैंड बॉलर को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ स्पिन बॉल, और इस बार बॉल थोड़ा सा लेग स्टैंप पे तरफ गया था, बॉल को हल्की हाथों से खेल दिया था मिड ऑफ के तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार यहाँ पर डॉट बॉल खेलता हुआ, 9 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं। फिर से एक बार यहाँ पर मैथ्यूज, जानते हैं कि इनका जो स्टाइल है वो टोपी पहन के ही बॉल करते हैं, तो अच्छी खासी स्टाइल के साथ बॉल करता हुआ, और इस बार फ्लिक कर दिया बॉल को फाइन लेग की तरफ, विकेट कीपर खुद जाके बॉल को फील्ड करेंगे। जी हाँ, खुद जाके बॉल को फील्ड किया है और एक रन जरूर मिला है, और इसी एक रन के साथ 9 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं, 9 ओवर 3 गेंदों पे 33 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस। इस बार आयशा जाफर जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है वो सामना करेंगे मैथ्यूज की गेंदबाजी का, और मैथ्यूज काफी कमाल के बॉलर हैं, बहुत सीनियर प्लेयर है और काफी कमाल के खेलते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, 9 ओवर 3 गेंदों पे 33 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस, और इस बार मैथ्यूज फिर से बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे आयशा जाफर। तो भाई अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और मैथ्यूज की गेंदबाजी चल रही है, और इस ओवर की चौथी गेंद, और यहाँ पर बेहतरीन स्वीप शॉट डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल चला गया है सीधा सीमा रेखा के बाहर। फील्डर ने कोशिश जरूर किया है बॉल को रोकने का, देखना होगा। जी हाँ, बॉल को रोक दिया गया है और 2 ही रन मिले हैं, बॉल को रोक दिया गया है और 2 ही रन मिले हैं, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जो है 35 रन बने हैं 9 ओवर 5 गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैथ्यूज ने कमाल की बॉलिंग डाली है, और आखिरी बॉल इस ओवर की, और सामना करेंगे यहाँ पर जाफर, इस ओवर की आखिरी गेंद, और सामना करेंगे जाफर, और यहाँ पर बेहतरीन शॉट। जी हाँ, जाफर राइट हैंडेड बैट्समैन थे और इनको मैथ्यूज ने बॉल किया, काफी कमाल का बॉल था और शॉट भी काफी कमाल का। इस लेंथ पे अगर बॉलिंग डालेंगे तो भाई फाइन लेग की तरफ ये तो घुमाएगा जरूर, लेग स्टंप पे बॉल था, बॉल को फाइन लेग की तरफ खेल दिया था जाफर ने, और 4 रन, ये चौका, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, और इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 10 ओवर के बाद 39 रन, 39 रन बन चुका है 10 ओवर में। तो भाई यहाँ पर अच्छा स्टार्ट मिल चुका है पाकिस्तान का, सबसे बेहतर बात है कि पाकिस्तान का एक भी विकेट आउट नहीं हुए, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। 10 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 10 ओवर में स्कोर जो है पाकिस्तान ओमेंस का वो बन चुका है भाई 39 रन, और फिर से एक बार मुझे लगता है मैथ्यूज ने इस ओवर में पहला ओवर और 7 रन, इस ओवर से अभी तक 7 रन आ चुके हैं भाई। आयशा जाफर 14 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं, और इस बार मुनीबा अली, जी हाँ मुनीबा अली जो कि क्यूट सी देखने में है, और सामना करेंगे यहां पर इस ओवर की पहली गेंद का। तो चलिए भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, मुनीबा अली है स्ट्राइक पे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और बॉलिंग करता हुआ आइजैक। तो भाई सबको बोलेंगे भाई 10 ओवर में पाकिस्तान ओमेंस का स्कोर जो है 39 रन बन चुके हैं, और इस बात पे एक लाइक जरूर बनता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉल करता हुआ इस बार मुनीबाली को, पुल कर दिया है बॉल को, इस बार बॉल चला गया है मिड यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पर बॉल को बॉल रोका है, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 40 रन, 10 ओवर 1 गेंद हो चुका है, 10 ओवर 1 गेंदों पे 40 रन बन चुके हैं विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार आइजैक बॉलिंग करता हुआ, कनिष्का आइजैक बॉलिंग करता हुआ, सामना करेंगे आयशा जाफर, इस ओवर की दूसरी गेंद, आयशा जाफर तैयार है बॉलिंग सामना करने के लिए, और अच्छी गेंदबाजी चल रही है कनिष्का आइजैक का, बेहतर गेंदबाज है और लॉन्ग रन ऑफ है इनके, और बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर आयशा जाफर को राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ आयशा जाफर का, फुल लेंथ की बॉल कट करने की कोशिश की आज, मगर वहां पर बेहतरीन फील्डिंग शॉट मिड ऑफ पे, और बॉल को रोक दिया गया है, सिंगल नहीं रोक पाए, और इसी सिंगल के साथ यहां पर सिंगल नहीं ले पाए क्योंकि आखिरकार मना कर दिया है मुनीबा अली ने, मना किया रन लेने में, क्योंकि जानते हैं वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं मैथ्यूज जिनका अच्छा आर्म थ्रो है भाई, तो इसके चलते यहां पर रन नहीं हुआ है। 10 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं, 10 ओवर 2 गेंदों के बाद 40 रन विदाउट एनी लॉस। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद, और यहाँ पर बेहतरीन शॉट, मगर सिंगल मिलेगा
ज्यादा रन नहीं मिलेंगे यहाँ पर। फिर से एक बार कट किया था बॉल को, बॉल चला गया था पॉइंट की तरफ, कोई रन यहाँ पर सिंगल लेता हुआ आयशाज जाफर और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 10 ओवर 3 गेंदों के बाद 41 रन। फिर से एक बार मुनीबा अली है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे यहाँ पर आइजैक की गेंद का। इस बार राउंड द विकेट बॉल करता हुआ आइजैक मुनीबा अली को इस ओवर की चौथी गेंद। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा चैनल। और इस बार पुल कर दिया है बॉल को, शॉर्ट बॉल थी, बॉल को ड्राइव करने की कोशिश किया था मगर यहाँ पर फाइन लेग में शॉर्ट फाइन लेग रखा गया है मुनीबा अली के लिए और कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो बेहतरीन सोच के साथ यहाँ पर खेलता हुआ दोनों ही बैट्समैन, क्योंकि जानते हैं कि अच्छा खासा रन जरूर बना है, वुमेन्स क्रिकेट है भाई, यहाँ पर 210 215 220 रन बहुत मायने रखता है। तो फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की पांचवी गेंद और यहाँ पर पटका हुआ गेंद, बॉल को ड्राइव कर दिया इस बार मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर और कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो आज पहला ओडीआई है जो कि पाकिस्तान वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच खेला जा रहा है। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल पर आता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस ओवर की आखिरी गेंद, जी हाँ, सामना करेंगे मुनीबा अली, 25 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं मुनीबा अली और 37 गेंद का सामना किया है। राइट आर्म राउंड विकेट बॉल करता हुआ पुल करने की कोशिश किया है, जस्ट विकेट कीपर की बगल से बॉल निकल गया है, 4 रन भाई सीमा रेखा के बाहर। और इसी चौके के साथ 11 ओवर के बाद पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 45 रन बन चुका है भाई, अच्छा स्टार्टिंग मिल चुका है पाकिस्तान वुमेन्स का। इन दोनों के बीच भी जो पार्टनरशिप है ये 45 रनों का बन चुका है और मुनीबा अली जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इस मैच में 29 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं और आयशा जाफर उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं और 15 रन बना के खेल रहे हैं भाई 28 गेंदों पे। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करना और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और पाकिस्तान वुमेन्स आज जिस तरीके से खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान वुमेन कमबैक करने की मैच खेल रहा है भाई, क्योंकि T20 जो सीरीज था उसमें तो लगातार हार मिला था, 3 T20 सीरीज में तीनों में ही हार गया था पाकिस्तान वुमेन्स की टीम। तो यहाँ पर कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जबरदस्त स्टार्टिंग मिल चुका है पाकिस्तान वुमेन्स टीम को। मुनीबा अली 29 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं, दूसरी तरफ बात करें आयशा जाफर की तो 15 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं और फिर से एक बार मुझे लगता है मैथ्यूज आए हैं क्योंकि मैथ्यूज को दूर से आप पहचान सकते हैं और उनका जो बॉलिंग स्टाइल है टोपी पहन के बॉलिंग करते हैं मैथ्यूज, हमेशा वो टोपी पहन के ही बॉलिंग करते हैं। इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता है, फ्लाइटेड गेंद, बॉल को ड्राइव कर दिया सीधा बॉलर के हाथ में गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो 11 ओवर एक गेंद हो चुके हैं, 11 ओवर एक गेंदों पे रन बन चुका है 45 रन बन चुके हैं। तो जो लोग भाई हमारे साथ बने हुए सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करेगा और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की दूसरी गेंद, मैथ्यूज बॉलिंग करता हुआ लेफ्ट राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार बैकफुट में गए, ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर और सिंगल जरूर मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 46 रन विदाउट एनी लॉस। 11 ओवर दो गेंद हो चुके हैं, मुनीबा अली बैटिंग कर रहे हैं 29 रन बना के। भाई मुनीबा अली जो कि काफी कमाल के खेल रहे हैं, आज इनका 50 रन बनता है भाई, आज 50 रन बनना चाहिए मुनीबा अली का क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और काफी समझबूझ के साथ खेलते हुए जिस बॉल पे मौका मिल रहा है उसी बॉल पे शॉट लगा रहे हैं, नहीं तो ये खामोशी से खड़े हुए खेल रहे हैं भाई। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। और इस ओवर की तीसरी गेंद, मैथ्यूज बॉलिंग करता हुआ मुनीबा अली को। तो भाई बने रहिए लाइक, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह लाइक जरूर करो और सपोर्ट जरूर करो भाई। इस ओवर की तीसरी गेंद, बॉलिंग करता हुआ मैथ्यूज, इस बार ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहा है भाई मुनीबा अली को। इस ओवर की तीसरी गेंद, राइट आर्म और ओवर द विकेट बॉल करता हुआ मुनीबा अली, इस बार फुल लेंथ बॉल था, अच्छा फ्लाइटेड फ्लाइट करने की कोशिश कर रहा है मुनी यहाँ पर मैथ्यूज मगर मुनीबा अली ने इसको ड्राइव कर दिया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। बात करें दोनों का पार्टनरशिप, अभी तक 46 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है और ये पार्टनरशिप जितनी आगे जाएगा उतना अच्छा है पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए। और इस बीच अगली गेंद, मुनीबा अली है स्ट्राइक पे और फ्लाइटेड गेंद, बॉल को ड्राइव कर दिया है, रन जी हाँ यहाँ पर मना कर दिया है आयशा जाफर ने क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं और जानते हैं इस पोजीशन में रन आउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और इस ओवर की पांचवी गेंद, ओवर द विकेट बॉल करता हुआ मुनीबा अली को।
तो भाई हमारे साथ जो लोग बोले हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस ओवर की पांचवी गेंद और यहाँ पर बेहतरीन शॉट, काफी अच्छी बॉल थी, फ्लाइटेड गेंद था और इसको बॉल के लिए वेट किया और आखिरकार इसको फाइन लेग की तरफ खेल दिया है और डीप फाइन लेग में फील्डर मौजूद था, दो रन आराम से मिल गए यहाँ पर मुनीबा अली को। और इसके साथ मुनीबा अली पहुंच चुके हैं 31 रनों के स्कोर पे और पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर हो चुका है 48 रन विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को। और जी हाँ, मुनीबा अली के लिए मैथ्यूज ने पहला स्लिप फर्स्ट स्लिप लगाया गया भाई, थोड़ा सा तब्दीली होता हुआ आखिरी बॉल है और फर्स्ट स्लिप लगाया गया है मुनीबा अली के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, इस बार हल्का सा पुश कर दिया है बॉल को, इस बार कवर की तरफ कोई मौका नहीं है रन लेने का, फील्डर वहां पर मौजूद थे। और इसी के साथ 12 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 12 ओवर के बाद पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर जो है 48 रन बने विदाउट एनी लॉस। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के दो उभरता सितारा आयशा जाफर और मुनीबा अली दोनों कमाल के खेल रहे हैं भाई और पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर जो है 12 ओवर के बाद 48 रन तक पहुंच गया है। आयशा जाफर बैटिंग कर रहा है 30 गेंदों पे 16 रन बना के, दूसरी तरफ मुनीबा अली बैटिंग कर रहा है 42 गेंदों पे 31 रन बना के। और यहाँ पर बॉलरों को कोई भी मौका नहीं दे रहा है भाई, थोड़ा सा जो है बॉलर हावी हो ऐसा कोई मौका बैट्समैन नहीं दे रहा है। इस बार आयशा जाफर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे, देखना होगा कि कौन आया बॉलिंग डालने के लिए। मुझे लगता है आइजैक आए बॉलिंग डालने के लिए, आइजैक बॉलिंग डालने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पे ही इन्होंने काफी अच्छा बॉल किया था, पॉइंट की तरफ खेल दिया बॉल को, फील्डर डीप पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डर मौजूद था और एक ही रन मिलेगा आयशा जाफर को। और इसी एक रन के साथ आयशा जाफर पहुंच चुका है 17 रनों के स्कोर पे, पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर हो चुका है 49 रन बन चुके हैं भाई, कमाल का यहाँ पर ओपनिंग साझेदारी बनता हुआ नजर आ रहा है भाई, ओपनिंग साझेदारी कमाल का बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर से एक बार आइजैक बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंद, तो भाई बने रहिए इस ओवर की दूसरी गेंद और यहां पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। बैट्समैन थे मुनीबा अली, ओ बैक काफी बेहतरीन गेंद, फुल लेंथ बॉल था, बैकफुट में जाके इसको ड्राइव किया सीधा बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। 12 ओवर दो गेंद हो चुके हैं, 12 ओवर दो गेंदों के बाद 49 रन बने विदाउट एनी लॉस। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार मुनीबा अली जो कि कमाल के खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से मुनीबा अली खेल रहे हैं तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरिटी का परिचय देता हुआ मुनीबा अली। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, फ्लिक कर दिया बॉल, बॉल लेग स्टंप से बाहर, बॉल वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इसी वाइड बॉल के साथ स्कोर जो है 12 ओवर दो गेंदों के बाद 50 रन, पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 50 रन हो गए। दोनों ओपनिंग साझेदारी बनता हुआ 50 रनों का साझेदारी बन चुकी है ओपनिंग जोड़ी में। तो भाई कमाल का खेलता हुआ यहाँ पर मुनीबा अली, फिर से एक बार मुनीबा अली सामना करेंगे यहाँ पर आइजैक की गेंद का। तो भाई बने रहिए इस ओवर की तीसरी गेंद, काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, पटकी हुई गेंद थी, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है बॉल बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया था, डीप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर मौजूद था बॉल को रोकने के लिए और एक रन जरूर मिला है और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 12 ओवर तीन गेंदों के बाद 51 रन बना है विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच चलता हुआ भाई, इस ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे यहाँ पर आयशा जाफर। तो भाई जाफर राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ ऐसा जाफर को, फुलर लेंथ बॉल, बॉल को ड्राइव करने की कोशिश किया था, बॉल चला गया कवर की तरफ, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, 12 ओवर चार गेंद हो चुका है, 12 ओवर चार गेंदों में 51 रन। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहां पर जाफर को, पार्टनरशिप इन दोनों के बीच 51 रनों का पार्टनरशिप बन चुका है और इस बीच अगली गेंद और यहां पर फिर से एक बार सिंगल बटोरता हुआ ऐसा जाफर और इसी एक रन के साथ आयशा जाफर पहुंच चुका है 18 रनों की स्कोर पे और स्कोर हो चुका है 12 ओवर 5 गेंदों के बाद 52 रन। ये काफी बेहतरीन बॉल था जो कि ऑफ स्टंप का बॉल लेग यहां पर पुल कर दिया था, ऑफ स्टंप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था जिसको जाफर ने पुल कर दिया था, पुल करके सिंगल लिया है और इसी के साथ 12 ओवर 5 गेंद हो चुका है, 12 ओवर 5 गेंदों में 52 रन बन चुका है विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे इस बार मुनीबा अली, 31 रनों की स्कोर 32 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं
मुनिबाली सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, राउंड द विकेट बॉल डालता हुआ मुनिबाली को, काफी अच्छी बॉल थी, यॉर्कर डालने की कोशिश था और सीधा विकेट कीपर की दस्ताने में गई बॉल, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो 13 ओवर कंप्लीट हो चुका है, 13 ओवर के बाद पाकिस्तान ओमेंस का स्कोर जो है 52 रन बना है विदाउट एनी लॉस। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, दोनों ओपनिंग साझेदारी का भाई कमाल का बनता हुआ, जहां पर आयशा जाफर बैटिंग कर रहे हैं 18 रनों की स्कोर पे और दूसरी तरफ मुनिबा अली बैटिंग कर रहे हैं 12 रनों की स्कोर पे। अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहां पर आप बॉलिंग कार्ड देख सकते हैं कमाल का, यहां पर बॉलिंग बॉलरों ने चार बॉलर ने यहां पर बॉलिंग किया है। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं चार बॉलरों ने बॉलिंग किया है, जो कि आपको बात करें कॉनेल चार ओवर डाले हैं 12 रन दिए हैं, सेलमैन चार ओवर डाले हैं 17 रन दिए हैं, और दूसरी तरफ बात करें कि आइजैक तीन ओवर में 13 रन दिए हैं, दूसरी तरफ मैथ्यूज और इस ओवर की पहली गेंद और दूसरी गेंद डाल चुके हैं और अभी तक 11 रन दिए हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आते भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस बीच बता दें 13 ओवर दो गेंद हो चुके हैं, 13 ओवर दो गेंदों पर स्कोर हो चुका है 53 रन विदाउट एनी लॉस। इस बार बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल लेता हुआ अलीसा जाफर और इसी सिंगल के साथ बन चुके हैं भाई 13 ओवर दो गेंदों के बाद 53 रन। हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इस सीरीज का सारा मैच आएगा भाई, तो इसके लिए लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करें कि आपको ये कमेंट्री कैसी लग रही है। मैथ्यूज फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद और यहाँ पर फिर से एक बार सिंगल बटोरता हुआ मुनिबा अली, हल्का सा बॉल के लिए वेट किया, आखिरी मोमेंट पे बॉल को खेल दिया फाइन लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ तो जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि ये पार्टनरशिप जो है धीरे धीरे बिल्ड होता हुआ, मुनिबा अली जो कि 33 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं और इस बार जाफर, जी हाँ आयशा जाफर है बैट्समैन। विकेट प्लीज भाई, वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं विकेट प्लीज भाई, जिस तरीके से दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं अब तो लग रहा है कि भाई ये दोनों 50 रन दोनों ही बैट्समैन लगाए इस बार। ओ फ्लिक कर दिया था बॉलर के पास, अच्छी ड्राइव करके बॉल को रोका, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ एक मौका, दूसरी ओवर में एक मौका जरूर बना था कॉर्नेल यहाँ पर, मगर उसके बाद और कोई मौका नहीं दिया बैट्समैनों ने। और फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की पांचवी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ आयशा, ओ काफी कमाल के एक बॉल, गुल्लन की बॉल थी, उछला हुआ बॉल को हल्की हाथों से डिफेंड कर दिया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 13 ओवर 5 गेंद हो चुका है, 13 ओवर 5 गेंदों के बाद 54 रन बने विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद, मैथ्यूज बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ यहाँ पर आयशा अली को, इस बार फुल लेंथ बॉल कट कर दिया है बॉल को, बॉल चला गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर भाग रहे पीछे मगर सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन भाई, चौका मिल चुका है और इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 14 ओवर के बाद 58 रन। भाई कमाल का शॉट लगाया है यहाँ पर अलीसा जाफर ने, अलीसा जाफर पहुंच चुका है 23 रनों की स्कोर पे और 14 ओवर के बाद पाकिस्तान ओमेंस का स्कोर 58 रन बना है विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच चलता हुआ और दोनों ही बैट्समैन मुनिबा अली एंड आयशा जाफर दोनों ही कमाल का खेलता हुआ, आयशा जाफर 23 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ मुनिबा अली 33 रन बना के खेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर बात करें यहाँ पर लाइक्स की तो भाई लाइक्स जरूर करें, लाइक्स का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फिर से एक बार, मुझे लगता है बॉलिंग आइजैक को ही दिया गया है, आइजैक आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए, 15वें ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार आइजैक। तो चलिए बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी कमाल का मैच होता हुआ, जी हाँ काफी कमाल का मैच होगा ये, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहे हैं अब मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान कमबैक करेगा। फिर से एक बार फुल करने की कोशिश किया, लेग साइड से बाहर बॉल, वाइड बॉल और 4 रन मिल जाएंगे, नहीं यहाँ पर आखिरकार फील्डर था फाइन लेग में और इसी के साथ 2 रन मिलेंगे, वाइड बॉल और 1 रन दौड़ के लिए है।
बाई रन, और इसी के साथ 14 ओवर के बाद 60 रन बने हैं जाफर। जी हाँ, सिंगल लेने का चक्कर में यहाँ पर आयशा जाफर है स्ट्राइक पे, 23 रन की स्कोर पे आइजैक की गेंद। इस ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ आयशा को इस बार खेलने की कोशिश किया था, स्वीप करने की कोशिश किया था, लगातार वाइड बॉल। जी हाँ, यहाँ पर फिर से एक बार वाइड बॉल होता हुआ, और इसी वाइड बॉल के साथ 14 ओवर के बाद 61 रन बन चुके हैं पाकिस्तान वुमेन्स के। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर से एक बार देखना पड़ेगा, फिर से एक बार आयशा जाफर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे यहाँ पर आइजैक की गेंद का। आइजैक इस ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद अभी तक नहीं हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ आयशा जाफर को इस बार पैड पे लगी जोरदार अपील, मगर आखिरकार मुझे लगता है थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, तो इसके लिए आगे निकल के आए थे भाई जाफर बॉल को खेलने के लिए। जोरदार अपील जरूर किया था, यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट थे आइजैक, मगर विकेट कीपर जो कि मना किए भाई यहाँ पर रिव्यू लेने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है आइजैक की, अब तक इन्होंने 3 ओवर एक गेंद डाले हैं और 16 रन दे चुके हैं, और फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर आयशा जाफर को, आयशा जाफर जो कि 23 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं, सामना करेंगे आइजैक की गेंद का। इस ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल ड्राइव कर दिया है बॉलर के ऊपर से खेलने की कोशिश, मगर वहां पर मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए, कोई रन नहीं। और इसी के साथ 14 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं, 14 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है भाई, 14 ओवर 2 गेंद हुए और इसमें चौका। जी हाँ, बेहतरीन बॉल और 4 रन के लिए, बेहतरीन बॉल था मगर यहाँ पर उतनी ही बेहतरीन शॉट चौका आयशा जाफर की बैट से, और इसी चौके के साथ 65 रन बन चुके हैं। कमाल का बॉल था, ऑफ स्टैम्प का बॉल, और इसको लेग साइड में खेल दिया था आयशा जाफर ने, बॉल में कोई खराबी नहीं थी, अच्छा बॉल था, मगर यहाँ पर लेग साइड में कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, उसी का फायदा उठाया आयशा जाफर ने बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेलता हुआ 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ 14 ओवर 3 गेंद हो चुका है, 14 ओवर 3 गेंदों पे 65 रन विदाउट एनी लॉस जाफर, जो कि कमाल के खेल रहे हैं आयशा जाफर, 27 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं 41 गेंदों का सामना किए हुए। दोनों ओपनिंग बैट्समैन काफी बढ़िया खेल रहे हैं भाई, और अभी तक स्कोर को 65 तक पहुंचा दिया है, दोनों के बीच साझेदारी भी 66 रनों तक बस पहुंच चुकी है, और इस बीच सिंगल लेता हुआ, जी हाँ, आइजैक की गेंद पे यहाँ पर सिंगल लेता हुआ जाफर, और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 14 ओवर 4 गेंदों पे 66 रन विदाउट एनी लॉस। तो भाई बात करें जाफर और मुनीबा अली की, तो दोनों ही कमाल के बैटिंग कर रहे हैं, और कमाल के क्यों ना हो, क्योंकि दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन समझ बूझ के साथ खेल रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जब भी मौका मिले तब भी हाथ खोले बढ़ना, यहाँ पर सिंगल से काम चलाए। इस बीच अगली गेंद और यहाँ पर बेहतरीन गेंद आइजैक का गेंद था, और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ मुनीवाली, मुनीवाली पहुंच चुका है 34 रनों के स्कोर पे, और स्कोर हो चुका है 14 ओवर 5 गेंदों के बाद 67 रन। भाई शॉर्ट बॉल थी, पुल कर दिया था, मगर वहां पर बेहतरीन तरीके से बॉल को फील्ड कर दिया गया फाइन लेग की तरफ, डीप फाइन लेग पे, और यहां पर रनआउट का चांस जरूर बना था, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, यहां पर रनआउट हो सकते थे अगर थ्रो जो अगर नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ होता, तो थ्रो जो फील्डर ने थ्रो किया वो विकेट कीपर के पास किया, अगर नॉन स्ट्राइक एंड पे थ्रो करते तो शायद यहां पर खतरा बन सकता था जाफर के लिए, तो एक मौका जरूर बना था, हाफ चांस जरूर बना था यहां पर आयशा जाफर के लिए, मगर फिर से एक बार आयशा जाफर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे यहां पर आइजैक की इस ओवर की आखिरी गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार फुल लेंथ की बॉल ड्राइव कर दिया है पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पर बॉल को रोक लिया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉल के साथ 15 ओवर के बाद स्कोर जो है 67 रन बना है विदाउट लॉस। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 4.47 की करंट रन रेट चल रही है, और दोनों ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो 67 रनों तक पहुंचा दिया है भाई आयशा जाफर और यहाँ पर मुनीबा अली, ये दोनों जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं मुझे लगता है कि दोनों ही अपना 50-50 रन पूरे जरूर करेंगे और मौका नहीं दे रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच ये रनआउट का वाला तालमेल अगर ठीक सा बैठ जाए तो यहाँ पर आज अच्छा खासा पाकिस्तान वुमेन्स स्कोर बनाएगा।
लगातार तीसरा तीन T20 हारने के बाद आज जबरदस्त स्टार्टिंग हो चुका है पाकिस्तान ओमेन्स टीम का। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए और जब तक यहाँ पर आप लोग हैं तब तक भाई यहाँ पर मैच काफी खतरनाक होने वाला है। तो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है भाई, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है और इस ड्रिंक्स ब्रेक में थोड़ा स्ट्रेटजी में दोनों तरफ से बदलाव हो सकते हैं। अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीज का कप्तान जो है वो भी चाहेंगे यहाँ पर तब्दीली करना, कि एक बार आपको मैं यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर ना भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्कोर कार्ड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और देखते रहिए भाई। जी हाँ, देखते रहिए। ओहो, थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं यहाँ पर इसको, जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कोर बना है। मुनीबा अली ने 34 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं, 47 गेंदों का सामना किए हुए हैं। आयशा जाफर जो कि 43 गेंदों पे 28 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं, और मुनीबा अली ने 5 चौके लगाए हैं जहां पर आयशा जाफर ने 4 चौके लगाए हैं। और बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर आप बॉलिंग पे देख सकते हैं, जी हाँ बॉलिंग पे आप देख सकते हैं कॉनेल, जी हाँ समीला कॉनेल ने 4 ओवर डाले हैं, 12 रन दिए हैं। सकीरा सेलमैन ने 4 ओवर डाले हैं, 17 रन दिए हैं। दूसरी तरफ आइजक की बात करें, आइजक ने 4 ओवर डाले हैं, 22 रन दिए हैं। और हैली मैथ्यूज, ये 4 बॉलर ने कंटिन्यूस बॉलिंग किया है। आई भाई मैथ्यूज ने बॉल किया है, मैथ्यूज ने 3 ओवर में 16 रन दिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए। चचा 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर के बाद स्कोर जो है पाकिस्तान ओमेन्स का वो 67 रन विदाउट एनी लॉस। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। आज भाई पाकिस्तान ओमेन्स बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, वो तो बात की बात है। मिनी पाकिस्तान 4 विन, चलिए देखते हैं आज। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ओमेन्स की जो ओपनिंग जोड़ी है वो जबरदस्त खेलता हुआ, और T20 लीग में इस तरीके से बैटिंग हमें देखने को नहीं मिला था पाकिस्तान ओमेन्स का। तो फिर से एक बार मैथ्यूज आए भाई बॉलिंग डालने के लिए, उनको टोपी पहन के देखते हुए ही हमें मुझे लगता है कि मैथ्यूज आए हैं और सामना करेंगे मुनीबा अली। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली गेंद ड्रिंक्स के बाद मैथ्यूज बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामना करेंगे मुनीबा अली। पहला गेंद मैथ्यूज का राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार फिर से फुल आर्म लेंथ बॉल, बॉल को स्वीप कर दिया है यहाँ पर डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 68 रन विदाउट लॉस पाकिस्तान ओमेन्स का। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार मैथ्यूज बॉलिंग करने के लिए तैयार, जहां पर आयशा जाफर है स्ट्राइक पे, 28 रनों के स्कोर पे खेल रहे आयशा जाफर और कमाल का खेलते हैं भाई, और आज तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहा है। 43 गेंद जरूर खेला है, वनडे मैच है भाई, यहाँ पर 50 ओवर तक खेलना है। और जाफर फिर से एक बार बैटिंग करता हुआ, 22 ओवर की अगली गेंद और यहाँ पर डॉट बॉल, बेहतरीन बॉल था यह, फुलर लेंथ बॉल था, बॉल को बैकफुट में जाकर ड्राइव करने की कोशिश किया था मगर मिड ऑफ में वहां पर फील्डर खड़े थे बॉल को रोकने के लिए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 15 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है 68 रन विदाउट एनी लॉस। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार बॉल, इस ओवर की तीसरी गेंद और इस ओवर आयशा जाफर ने फिर से एक बार स्वीप किया है मगर जोरदार अपील हुआ था, पैड पे लगी शायद, और देखना होगा अंपायर क्या इशारा करते हैं, लेग बाई का इशारा करते हैं कि नहीं, जी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बैट पे लगी और सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ 15 ओवर 3 गेंदों पे 69 रन बन चुके हैं विदाउट एनी लॉस। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार मैथ्यूज बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की चौथी गेंद मैथ्यूज का, सामना करेंगे मुनीबा अली। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ मुनीबा अली को, इस बार कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर जो है 69 रन बने विदाउट एनी लॉस। काफी फुलर लेंथ बॉल था, ड्राइव करने की कोशिश किया, स्वीप करने की कोशिश किया था, पैड पे लगी और दूसरी बार यह पर अपील होता हुआ लेग बिफोर विकेट का, LBW का
कॉल करता हुआ मैथ्यूज लगातार यहाँ पर मुनीबा अली को पेसर में डालता हुआ, क्योंकि अब जब अपील करते हो, बॉलर जब अपील करता है तो यहाँ पर बैट्समैन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। मगर इस बीच अगली गेंद सीधा बॉलर ने, सीधा बैट्समैन ने बॉलर के हाथ में खेला है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर मैथ्यूज का, और उतनी ही अच्छी बैटिंग चल रही है मुनीबा अली का। मुनीबा अली पहुंच चुके हैं 35 रनों के स्कोर पे, जहां पर काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं दोनों ही बैट्समैन। इस ओवर की आखिरी गेंद, और यहां पर बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश किया था, मगर शॉट उतनी जबरदस्त नहीं था, बॉल चला गया था फाइन लेग की तरफ, फील्डर दौड़ लगाया और दो रन नहीं रोक पाए, और इसी दो रन के साथ स्कोर हो चुका है 71 रन। जबरदस्त अपील हुआ है जी, यहाँ पर देखना होगा थर्ड अंपायर को, यहाँ पर विकेट, जी हाँ विकेट, दो लाने की कोशिश में यहाँ पर रन आउट होता हुआ मुनीबा अली, मुनीबा अली रन आउट हो गए भाई, मुनीबा अली रन आउट हो गए। 70 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है, सिंगल तो आराम से ले लिया था, मगर यहाँ पर दो रन की कोशिश था, जो कि कॉल किया था मुनीबा अली ने, खुद अपने कॉल किया था कि दो रन के लिए, मगर यहाँ पर पहुंच नहीं पाए क्रीज तक, और यहां पर रन आउट होता हुआ मुनीबा अली। देखना जी, यहां पर मुनीबा अली शायद आउट हुए हैं, देखना होगा, यहां पर मुनीबा अली ही आउट हुए हैं, और रन आउट होता हुआ पहला विकेट यहां पर, 16 ओवर 59 रन पहली विकेट यहां पर मुनीबा अली, और आउट करने वाला खिलाड़ी यहां पर देखना होगा कि कौन है भाई, इनको आउट किया है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर पाकिस्तान वुमेन्स का पहला विकेट गिरता हुआ मुनीबा अली के रूप में, तो भाई बने रहिए, मुनीबा अली जो कि 35 रन बना के खेल रहे थे वो आउट हो चुके हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक झटका सा होगा ये, जब मुनीबा अली आउट हो गए 35 रन बना के। देखना होगा कि कौन आउट किया है भाई, ये देखना होगा कि कौन आउट किया है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, इस बार हल्का सा फ्लिक कर दिया था बॉल को, बॉल चला गया था फाइन लेग की तरफ, डीप फाइन लेग का फील्डर, अच्छी आर्म थ्रो भाई, अच्छी आर्म थ्रो, विकेट कीपर और फील्डर, फील्डर कौन था ये देखना होगा। पहला विकेट जरूर गिरा है, मगर यहाँ पर विकेट कीपर को बारे में तो पता है, नए बैट्समैन आ भी चुके हैं मैदान पे, तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुनीबा अली 36 रनों की स्कोर पे आउट हो चुके हैं, और देखना होगा कि कौन आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए, अभी तक घोषित नहीं हुआ है कौन आए हैं। भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेलमैन, जी हाँ सेलमैन ने रन आउट किया है, आपको बता दें सेलमैन ने रन आउट किया है, नायडा दौर आए हैं, नायडा दौर आते ही इस बार नायडा दौर आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए, और नायडा दौर ने इस बार खेल दिया है बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, सिंगल लेता हुआ नायडा दौर, और इसी सिंगल के साथ नायडा दौर ने अपना खाता खोला है और स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया है 16 ओवर 3 गेंदों के बाद हो चुका है 71 रन एक विकेट के नुकसान पे। नायदा दौर आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए, खान, कोई खान आए भाई, नायदा दौर आए हैं बैटिंग करने के लिए। जाफर इस बार स्ट्राइक पे, राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल आता हुआ बैक फुट पे गया, ड्राइव करने की कोशिश किया पॉइंट की तरफ, मगर फील्डर वहां पर बॉल को रोकने के लिए कामयाब, और इसी के साथ कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो यहाँ पर 16 ओवर 4 गेंद हो चुका है, 16 ओवर 4 गेंदों पर 71 रन एक विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 5वीं गेंद, फिर से एक बार ड्राइव किया है कवर की तरफ, इस बार खेला था शॉट गैप में, हमेशा कट करने की कोशिश कर रहे हैं, गैप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कामयाबी नहीं मिल रही है नायदा दौर को। और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुके हैं, पहली यहाँ पर 17 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, पाकिस्तान वुमेन का स्कोर 71 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर 17 ओवर के बाद पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर जो है 71 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे, और बेहतरीन इन दोनों के बीच अभी 1 रनों की पार्टनरशिप बनी है, और फिर से एक बार देखना होगा, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है पाकिस्तान वुमेन्स को। और ये जो झटका था मुनीबा अली का, ये खुद अपने पैर में कुरानी मारना जैसा था, क्योंकि ये 2 रन की कॉल उनका ही था। अब देख रहे हैं कि जो फील्डिंग कर रहे हैं उसका जो फास्ट बॉलर है, तो आर्म जो है वो थ्रो काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग थ्रो होगा, मगर फिर आप 2 रन
नहीं ले सकते। मैं पहले ही बोला था कि अगर रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच सही हो जाए तो अच्छा खासा रन बना सकते हैं। फिर से एक बार जाफर, हम ऐसा जाफर है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे इस बार मैथ्यूज की गेंद का। मैथ्यूज फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार ऐसा जाफर को फुल लेंथ बॉल ड्राइव करने की कोशिश किया था, शॉर्ट मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ 17 ओवर दो गेंद हो चुका है, 17 ओवर दो गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है 71 रन एक विकेट के नुकसान पे। एकमात्र विकेट जो कि मुनीबा अली आउट हुआ है, रनआउट हुआ है, और उनको रनआउट करने वाला खिलाड़ी सेलमैन। आप जानते हैं कि था फाइन लेग में, जो डीप फाइन लेग में फील्डिंग कर रहे हैं सेलमैन, वो एक फास्ट बॉलर है और आप अच्छी आर्म थ्रो है, तो आपको दूसरे के लिए भागना नहीं था और उसके चलते यहाँ पर मुनीबा अली आउट हो चुके हैं। मगर इस ओवर की तीसरी गेंद और यहाँ पर कट कर दिया है बॉल को बेहतरीन चार रनों के लिए, बाय बेहतरीन चार डीप एक्स्ट्रा कवर के तरफ से चार रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 75 रन 17 ओवर तीन गेंदों के बाद। आयसा जाफर की बैट से ये चौका आया है, आयसा जाफर पहुंच चुका है 34 रनों के स्कोर पे और पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर हो चुका है 17 ओवर तीन गेंदों के बाद 75 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते भाई, कैसे हो आप? राजीव रंजन तिरके जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे भाई। तो चलिए फिर से एक बार मैथ्यूज बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की चौथी गेंद, आयसा जाफर को इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, बॉल को हल्के बैटों से ड्राइव कर दिया कवर की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर हो चुका है। और इस बीच फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस बार मैथ्यूज इस ओवर की पांचवीं गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ आयसा जाफर को। आयसा जाफर ने इस बॉल को फुल लेंथ बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद था वहां पर, अच्छी आर्म थ्रो, मगर यहां पर सिंगल लेता हुआ आयसा जाफर और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 17 ओवर पांच गेंदों के बाद 76 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी को बोलूंगा लाइक जरूर कर दे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहां पर जवीरा खान है स्ट्राइक पे। जी हाँ, मैं पहले ही कहा था कि जवीरा खान है स्ट्राइक पे, नाइदा दौड़ नहीं, जवीरा खान। और फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ फ्लिक कर दिया बॉल को यहाँ पर मिड विकेट की तरफ, फील्डर से मिसफील्ड हुई और एक रन जरूर मिलेगा। और इसी एक रन के साथ 77 रन बन चुके हैं भाई 18 ओवर के बाद। जावेरिया खान आए हैं बैटिंग करने के लिए भाई। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और ओडीआई चल रहा है क्या? जी हाँ भाई, वनडे चल रहा है, एक दिवसीय मैच चल रहा है भाई पाकिस्तान वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच। तो बेहतरीन भाई राजीव रंजन तिरके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। और काफी अच्छा मैच चल रहा है पाकिस्तान वुमेन्स, जिस तरीके से बैटिंग किया था भाई, पहली विकेट का जो साझेदारी रहा 67 रनों का, 70 रनों का साझेदारी रहा, वो काफी कमाल का था। इस बार जवेरा खान इस बार ऑफ स्टैम्प पे आके लेग साइड में खेला था फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर मौजूद, जोरदार अपील हुआ था, आइजैक ने जोरदार अपील किया था मगर अंपायर ने इसको मना कर दिया। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर आइजैक इस ओवर की अगली गेंद, और सामना करेंगे यहाँ पर फिर से बॉलर को स्टॉप करवा दिया गया है। जी हाँ, बॉलर को स्टॉप करवा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा साइड स्क्रीन में प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पर टेलर बॉलिंग कर रहे हैं, स्टीफन टेलर बॉलिंग डाल रहे हैं और राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ स्टीफन टेलर इस बार बैकफुट में, लेग स्टैम्प पे बॉल था, बैकफुट में गए और इसको ड्राइव कर दिया डीप कवर की तरफ, अच्छा यहाँ पर सिंगल लेता हुआ जवीरा खान। और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 79 रन बन चुका है भाई 18 ओवर तीन गेंदों के बाद। राजा कुरेशी जी, बैटिंग पिच है क्या भाई? बैटिंग पिच तो है और यहाँ पर पेसर को हमेशा मदद मिला है, बैटिंग पिच यहाँ पर लो स्कोरिंग पिच है भाई, मगर आज काफी कमाल का बैटिंग चलता हुआ दिख रहा है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 18 ओवर चार गेंदों पे 80 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। इस बार आयसा जाफर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे स्टीफन टेलर की गेंद का इस ओवर की पांचवी गेंद। जी हाँ, स्टीफन टेलर तैयार है बॉलिंग करने के लिए और सामना करेंगे यहाँ पर आयसा जाफर। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर कीजिएगा।
और चैनल पर तो चैनल को साहब बैटिंग पिच है या नहीं भाई? यहाँ पर बैटिंग पिच तो जिस तरीके से बैटिंग चल रही है तो मुझे तो लगता है कि भाई बैटिंग पिच होगा जरूर। इस ओवर की पांचवी गेंद, स्टीफन टेलर बॉलिंग करता हुआ राइट, ओ फिर से एक बार बॉलर को स्टॉप करवा दिया गया भाई। लगातार यहाँ पर जाफर जो है ये बॉलर को स्टॉप करवा रहा है, थोड़ा सा बॉलर को जो कंसेंट्रेशन है उसको फेलियर करता हुआ। जी हाँ कुंदन कुमार जी, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस बार बैकफुट में जाकर बॉल को ड्राइव किया, सीधा बॉलर के हाथ में खेला हुआ शॉट, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ आयशा जाफर का। और इसी के साथ 18 ओवर 5 गेंदों के बाद 80 रन एक विकेट के नुकसान पे। कुरेश जी ये पार्टनरशिप भी इम्पोर्टेंट है फिर? जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है ये। पिछला जो विकेट गया यहाँ पर मुनीबा अली का, उस विकेट जाना नहीं चाहिए था, दो रन की कोशिश में रन आउट होता हुआ। क्यों, मैं पहले ही से बता रहा था यहाँ पर कि इन दोनों के बीच अगर रनिंग बिटवीन द विकेट सही हो जाए तो यहाँ पर मुनीबा अली भी 50 रन कर सकते थे। मगर इस बीच ओवर समाप्त, 19 ओवर हो चुके हैं, 19 ओवर के बाद स्कोर जो है पाकिस्तान वुमेन्स का 80 रन बने एक विकेट के नुकसान पे। राजा कुरैशी जी मुझे भी लगता है कि ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वुमेन्स के लिए। और जवीरा खान एक जबरदस्त प्लेयर है और काफी अच्छे बैटिंग भी करते हैं। दूसरी तरफ आज आयशा जाफर भी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और लगातार अच्छी कोशिश कर रहा है। पहला विकेट जाने के बाद दोनों के बीच समझ बूझ और भी बढ़ चुकी है। तो चलिए देखते हैं, इस बार खान है स्ट्राइक पे, जवीरिया खान, और सामना करेंगे यहां पर फिर से एक बार बॉलिंग पे आए हैं, मुझे लगता है कि बॉलिंग डालने आए हैं। कौन आए भाई यहां पर, थोड़ा सा जांचना पड़ेगा कि कौन है बॉलिंग पे। और पहली गेंद ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेता हुआ जवीरिया खान ने और स्कोर को 81 रन तक पहुंचा दिया एक विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद आए हैं भाई, मोहम्मद आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। और इस ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल डालता हुआ सीधी बॉल, बॉल को मिडल ऑफ द बैट खेला है आयशा जाफर ने। तो जाफर की अगर बात करें तो आयशा जाफर, और इस ओवर की तीसरी गेंद बेहतरीन शॉट जाफर का, भाई कमाल का शॉट लगाया है जाफर ने, आयशा जाफर ने। बैकफुट में गए, हाथ खोला, रूम बनाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 85 तक पहुंच गया है 19 ओवर 3 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर मोहम्मद की गेंद थी और मोहम्मद की गेंद पे तीसरी गेंद पे चौका लगाया है आयशा जाफर ने। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहां पर मोहम्मद, सामना करेंगे आयशा जाफर। इस ओवर की चौथी गेंद बेहतरीन गेंद, सीधा गया है राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल डालता हुआ यहां पर जाफर को, सीधा बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है, साथ में उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी चल रही है भाई आयशा जाफर का। आयशा जाफर 40 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं, 19 ओवर 4 गेंद हो चुके हैं, 19 ओवर 4 गेंद हो गए। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की पांचवी गेंद और आयशा जाफर ने फिर से खेल दिया है, बॉलर के बगल से बॉल चला गया लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर जहां पर मौजूद है और एक रन मिल चुका है। और इसी एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 86, 86 रन बन चुका है एक विकेट के नुकसान पे 19 ओवर 5 गेंदों के बाद। 19 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 19 ओवर 5 गेंदों के बाद 86 रन बने एक विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहां पर जावरिया खान को, राइट आर्म ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद, इस बार लेग स्टंप पे खेला था बॉल को, बॉल को फ्लिक कर दिया था, शॉट फाइन लेग पे, फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। इसी के साथ 20 ओवर खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान वुमेन्स का इनिंग्स का, 20 ओवर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम एक अच्छे स्कोर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ, पाकिस्तान वुमेन्स ने 20 ओवर के बाद 86 रन बनाए हैं, 86 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई यहां पर जबरदस्त स्टार्टिंग हो चुका है आयशा, यहां पर मोहम्मद ने इस ओवर में 6 रन दिए, मगर जो 6 रन दिए हैं वो काफी कीमती रन। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार बॉलिंग में चेंजेस हुए हैं। जी हाँ बॉलिंग पे चेंज किया गया है, स्टीफन टेलर को फिर से एक बार लाया गया है, या देखना होगा कि कौन आए बॉलिंग डालने के लिए, मगर स्पिनर आए बॉलिंग डालने के लिए। सामना करेंगे ये पर आयशा जाफर, राइट आर्म ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद, बॉकफुट में गए, फिर से एक बार पॉइंट की तरफ खेला था मगर वहां पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है यहां पर, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस बार फिर से एक बार बैकफुट में गए, ड्राइव किया है, लगातार गैप में खेला, खेलने की कोशिश कर रहा था, इस बार गैप में खेल दिया है,
एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिंगल लेता हुआ आया शाह जाफर और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 87 रन, 87 रन बन चुका है भाई एक विकेट के नुकसान पे 20 ओवर दो गेंदों के बाद। फिर से एक बार इस बार जबरिया खान है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे बॉलर की गेंद का, कौन है बॉलर ये पता नहीं है भाई, मगर यहाँ पर देखना होगा कि कौन है बॉलर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद चौथी गेंद और इस बार खेल दिया है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ 20 ओवर 4 गेंद के बाद 87 रन बने एक विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की पांचवी गेंद, बने रहिए भाई लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन बॉल करता हुआ यहाँ पर लगातार गेंद डॉट करता हुआ, तो बने रहिए लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस बार बैकफुट में गए, ड्राइव किया है कवर की तरफ, मगर बॉल उतनी ही अच्छी फील्डिंग भाई शॉर्ट कवर में उतनी ही अच्छी फील्डिंग, बॉल को रोक लिया गया है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ, डॉट बॉल हुआ है भाई। और फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ स्वीप कर दिया है बॉल को फाइन लेग की तरफ, 4 रन मिल जाएंगे नहीं, यहाँ पर फील्डर मौजूद डीप फाइन लेग में सिंगल मिला है और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 88 रन 21 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 88 रन एक विकेट के नुकसान पे, 21 ओवर खत्म हो चुका है 88 रन बने एक विकेट के नुकसान पे। एकमात्र विकेट जो कि आउट हुए हैं मुनीबा अली, रनआउट हुए हैं सेलमैन ने उनको रनआउट किया था और 36 रन बना के आउट हुए, 70 का पार्टनरशिप दे गए भाई यहाँ पर मुनीबा अली और जफर ऐसा जाफर के बीच। और देखता हुआ यहाँ जाफर और खान, जी हाँ जबरिया खान, इन दोनों के बीच अभी तक 18 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है और पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 21 ओवर के बाद 88 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहम्मद फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार फ्लिक कर दिया है बॉल को मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ, तो 21 ओवर एक गेंद हो चुका है, 21 ओवर एक गेंद के बाद 88 रन बने एक विकेट के नुकसान पे। तो फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ मोहम्मद, इस बार सामना करेंगे जबरिया खान, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंद फ्लिक करने की कोशिश, पैड में लगी जोरदार अपील, दूसरा विकेट, जी हाँ यहाँ पर मोहम्मद ने आउट कर दिया जबरिया खान को भाई, बहुत बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर जबरिया खान LBW आउट हुए मोहम्मद, जी हाँ मोहम्मद ने विकेट ले लिया है यहाँ पर, पाकिस्तान वुमेन्स को दूसरा झटका दिया है मोहम्मद ने। और यहाँ पर LBW फुल लेंथ बॉल था, पूरा लाइन पे था और पूरी तरीके से बीट हो गए यहाँ पर जबरिया खान और LBW आउट होता हुआ, दूसरा विकेट पाकिस्तान वुमेन्स का 88 रन पे दो। तो भाई जो बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर जबरिया खान आउट हो चुके हैं 5 रनों की स्कोर पे। तो भाई लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ पाकिस्तान वुमेन्स को अभी भी ये मैच अगर अच्छा खासा स्कोर बनाने होंगे तो भाई एक जबरदस्त पारी मतलब पार्टनरशिप की जरूरत है, तो देखना होगा इसके बाद कौन आते हैं, नायदा दौर आएंगे भाई, शायद नायदा दौर आ सकते हैं क्योंकि पिछले बार उनका नाम ही आया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बैटिंग करने कौन आते हैं, क्योंकि आयशा जाफर अभी भी बने हुए हैं 42 रनों के स्कोर पे और उनका साथ देने कौन आता है भाई। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो जबरिया खान आउट हुए LBW आउट हुए, इस बार फुलर लेंथ बॉल था, फ्लाइटेड गेंद थी और जिसको ड्राइव करने की कोशिश किया था पूरी तरीके से बीट हो गए, जी हाँ यहाँ पर सोहिल यहाँ पर आए नए खिलाड़ी आए भाई उस सोहिल आए हैं और पहली गेंद डॉट बॉल, सोहिल आए हैं भाई खेलने के लिए, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। सोहिल की अगर बात करें तो सोहिल ने अब तक जी हाँ अब तक 13 ODI खेले हैं, 13 ODI में 41 इनका हाईएस्ट है स्कोर है और 199 रन बनाए हैं, टोटल 199 रन बनाए हैं सोहिल ने, तो काफी अच्छे बैट्समैन है। तो देखना होगा कि आज क्या करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स के लिए उमैया सोहेल, बैक इस बार पॉइंट की तरफ खेला था कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ, तो लगातार डॉट बॉल खेलता हुआ और 21 ओवर इस बार सिंगल लेता हुआ जी हाँ यहाँ पर सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ 21 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 21 ओवर 5 गेंदों के बाद 89 रन दो विकेट के नुकसान पे।
और काफी कीमती विकेट चला गया है भाई यहाँ पर जवरिया खान का। जिस विकेट का जरूरत अब वेस्ट इंडीज वुमेन्स को, वो विकेट यहाँ पर मोहम्मद ने दिला दिया है वेस्ट इंडीज वुमेन्स को। तो चलिए देखते हैं, आयशा जाफर है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार फिर से एक बार खेल दिया है बॉल को लेग साइड में, स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल लेता हुआ जाफर के यहाँ पर आयशा जाफर, और इसी सिंगल के साथ आयशा जाफर पहुंच चुके हैं 43 रनों के स्कोर पे और स्कोर हो चुका है भाई 90 रन बन चुके हैं पाकिस्तान वुमेन्स का 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग पे आए हैं, देखना होगा कि कौन आए भाई बॉलिंग डालने के लिए। और आयशा जाफर है स्ट्राइक पे, जी हाँ आयशा जाफर है स्ट्राइक पे और पहली गेंद और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ बैकफुट में गए, पॉइंट की तरफ खेला था शॉट और इसी सिंगल के साथ 91 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे 22 ओवर एक गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार यहां पर बॉलिंग करता हुआ है। देखना होगा कि कौन आया है भाई बॉलिंग डालने के लिए। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है भाई, 22 ओवर 4 गेंद हो चुका है, 22 ओवर 4 गेंदों का स्टीफन टेलर आए भाई बॉलिंग डालने के लिए और 22 ओवर 4 गेंदों पे 91 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान वुमेन्स का। तो लगातार यहाँ पर स्टीफन टेलर अगर बात करें तो जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद, सामना करेंगे यहाँ पर सोहेल। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार काफी बेहतरीन बॉल, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 92 रन, जी हाँ 92 रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। स्टीफन टेलर की गेंदबाजी थी और इसको डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला था, सिंगल लेता हुआ 22 ओवर 5 गेंद हो चुका है, 22 ओवर 5 गेंदों में 92 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद यहां पर सामना करेंगे जाफर और जाफर ने इसको लेग साइड में खेला है, स्क्वायर लेग की तरफ खेल के सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 23 ओवर कंप्लीट हो चुका है। 23 ओवर के बाद पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 93 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब हमें जरूर कीजिएगा भाई। कुरैशी जी सेकंड विकेट गया, अब स्कोरिंग रेट स्लो होगा भाई, जरूर मुझे लगता है राजा कुरैशी जी यहां पर स्कोरिंग रेट तो स्लो होगा मगर पाकिस्तान एक अच्छा खासा स्कोर मुझे लगता है कि यहां करने वाला है। तो चलिए देखते हैं, अगर आखिर तक रह जाएगा तो यहां पर स्कोर जो है 100 150 180 ये लो स्कोरिंग ग्राउंड है। तो देखना होगा, आज ये पहला ओडीआई खेला जा रहा है और पहला ओडीआई में यहाँ पर कितने रन बनते हैं। और मोहम्मद की पहली गेंद और लेग बाय का इशारा अंपायर का, लेग साइड में बॉल था, फ्लिक करने की कोशिश किया था और बॉल चला गया था इस बार शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद था वहां पर, सिंगल जरूर मिला है मगर अंपायर का लेग बाय का इशारा। 23 ओवर एक गेंद हो चुका है, 23 ओवर एक गेंदों पर 94 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार मोहम्मद बॉलिंग करता हुआ इस बार आयशा जाफर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे आयशा जाफर, मोहम्मद की गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ मोहम्मद। और यहां पर बात करें आयशा जाफर के लिए, यहां पर सिली मिडॉन पे फील्डर लगाया गया है आयशा जाफर, फिर से एक बार फास्ट स्लिप लगाया गया, स्वीप कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 23 ओवर 2 गेंदों के बाद 95 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। फिर से एक बार यहाँ पर बॉलिंग करता हूं और यहाँ पर डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर मोहम्मद का, आयशा जाफर है स्ट्राइक पे और डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर मोहम्मद का, पाकिस्तानी ही जीतेगा। चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स लवर जी, मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान वुमेन्स आज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है पाकिस्तान की टीम, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी कमाल के बैटिंग कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान एक फाइट तो जरूर देगा भाई।
वेस्ट इंडीज टीम को एक फाइट तो जरूर देगा। और इस बीच काफी बेहतरीन बॉल और यहाँ पर उतनी ही बेहतरीन शॉट, सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 23 ओवर 5 गेंदों के बाद 96 रन 2 विकेट के नुकसान पे। यह मोहम्मद की ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर बॉल था जिसको खेल दिया था यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ और सिंगल जरूर मिला है और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 96 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद मोहम्मद का सामना करेंगे यहाँ पर सोहेल और काफी बेहतरीन गेंद कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। सोहेल ने इस बार 100 यहाँ पर पॉइंट की तरफ खेला था बॉल को, मगर फील्डर ने ड्राइव लगा के फील्ड किया है और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ, भाई यहाँ पर सिंगल बटोरता हुआ और इसी के साथ 97 रन बना है भाई। 24 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 24 ओवर के बाद 97 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 24 ओवर के बाद 97 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से एक बार यहाँ पर मुझे लगता है स्टीवन टेलर आए हैं बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे यहाँ पर सोहेल। पहली रन और सोहेल सामना करेंगे। तो चलिए संकेत चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कितने बेकार आवाज है भाई, बहुत ही बेकार आवाज है, क्या करें भाई। आप जहां पर सुंदर आवाज मिल रही है वहां पर चल जाइए भाई, स्पैम मत कीजिए। श्रीकांत चौहान जी स्पैम मत कीजिए, नहीं तो आपको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। कोई भी कमेंट कीजिए कोई बात नहीं, मगर स्पैम मत कीजिए। अरिजीत रॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, थैंक यू सो मच अरिजीत रॉय जी जुड़ने के लिए। और आपको बता दें यहाँ पर 24 ओवर 2 गेंद हो चुका है, 24 ओवर 2 गेंदों में पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर जो है 98 रन बना है 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार काफी अच्छा स्वीप किया था बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ। हाँ भाई बोल रहे हैं श्रीकांत चौहान जी, आप कमेंट कीजिए कुछ भी, मगर यहाँ पर स्पैम मत कीजिए। और जी हाँ राजा कुरेशी जी भैंस पे ध्यान दो, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार स्वीप करने की कोशिश किया, लेग साइड से बाहर बॉल, वाइड बॉल कैसा राम प्यार का। और यहाँ पर तीसरा विकेट, जी हाँ बेहतरीन विकेट यहाँ पर जाफर, आयशा जाफर, मुझे आयशा जाफर नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर सोहेल आउट हो चुके हैं भाई, यहाँ पर सोहेल आउट हो चुके हैं। जी हाँ सोहेल आउट हो चुके हैं भाई, कैच आउट हुआ है, सोहेल आउट हो चुके हैं भाई, यहाँ पर सोहेल आउट हो चुके हैं। सोहेल या जाफर देखना होगा, मुझे लगता है कि यहां पर सोहेल आउट हुए हैं। आयशा जाफर आउट हुए भाई, सोहेल नहीं, आयशा जाफर आउट हुए हैं। आपको बता दें आयशा जाफर आउट हुए हैं 46 रन बना के, आयशा जाफर आउट हुए हैं भाई 46 रन बना के, 46 रन बना के आयशा जाफर आउट हुए हैं। स्टीफन टेलर ने विकेट लिया है और डी डॉटन ने कैच लिया है भाई, कैच आउट हुए हैं आयशा जाफर, उनका कैच लिया है डी डॉटन ने और विकेट लिया है स्टीफन टेलर ने। तो भाई यहां पर तीसरा विकेट पाकिस्तान वुमेन्स का 98 पे 3, 24 ओवर 3 गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैच काफी इंटरेस्टिंग हो पोजीशन में आ चुका है, 24 ओवर 3 गेंदों के बाद पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए देखते हैं आयशा जाफर की जगह पे कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए। और सोहेल है स्ट्राइक पे, यहाँ पर सोहेल नॉन स्ट्राइक गेंद पे है। नायदा दौर बहुत देर बाद यहाँ पर नायदा दौर आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे यहाँ पर स्टीफन टेलर की गेंदबाजी का, पहली गेंद और इस बार फ्लिक कर दिया है बॉल को मिड ऑन के तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ 24 ओवर 5 गेंदों के बाद 98 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ स्टीफन टेलर इस ओवर की
पांचवी गेंद और यहां पर फिर से एक बार डॉट बॉल। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 24 ओवर 5 गेंद हो चुका है, 99 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 24 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 99 रन और यहां पर ओवर समाप्त। भाई 25 ओवर कंप्लीट हो चुका है, पाकिस्तान ओमेंस का स्कोर 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नायदा दौर जो कि अभी अभी आए हैं वो अभी तक खाता नहीं खोले अपना। और दूसरी तरफ सोहेल की बात करें तो 5 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं। और स्टीवन टेलर ने 5 ओवर डाले हैं, 11 रन देके 1 विकेट निकाले हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो कि काफी लय में नजर आ रहे थे, काफी अच्छा खेल रहे थे, आयशा जाफर, उनको आउट किया है और उनका कैच लिया है। भाई आपको बता दें डी डॉटन ने कैच लिया है। तो चलिए देखते हैं सोहेल स्ट्राइक पे सामना करेंगे इस बार। मुझे लगता है फिर से एक बार मोहम्मद आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। ये विकेट लॉस बड़ा है, इंपॉर्टेंट विकेट मिला वेस्ट इंडीज को। जी हाँ, वायसा जाफर का बहुत ही बड़ा विकेट मिला है जो कि एकदम पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे इस मैदान पे। 46 रनों की स्कोर पे वो आउट हो गए। और फिर से एक बार मोहम्मद आए हैं बॉलिंग डालने के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद और डॉट बॉल। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ यहां पर मोहम्मद ने इस ओवर की दूसरी गेंद थी जो कि फ्लाइटेड गेंद था, जो बॉल को ड्राइव कर दिया था मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो फिर से एक बार इस ओवर की तीसरी गेंद लेके हाजिर है मोहम्मद और सामना करेंगे सोहेल। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ सोहेल को मोहम्मद। इस बार फिर से एक बार फुल लेंथ बॉल स्वीप करने की कोशिश, मगर बॉल चला गया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन जरूर मिल जाएगा इस गेंद से और इसी गेंद एक रन के साथ स्कोर हो चुका है। 25 ओवर 3 गेंदों के बाद 100 रन पूरे हो गए। भाई पाकिस्तान ओमेंस का 100 रन पूरे हो गए हैं भाई 3 विकेट के नुकसान पे, 25 ओवर 3 गेंदों के नुकसान पे। नायदा दौर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का मोहम्मद। बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे नायदा दौर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ नायदा दौर को, राइट हैंडेड बैट्समैन है नायदा दौर। इस बार फुल लेंथ बैकफुट में गए, ड्राइव किया है पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद बॉल को रोकने के लिए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो इसके साथ ही 25 ओवर 4 गेंद हो चुका है, 25 ओवर 4 गेंदों के बाद इस पाकिस्तान ओमेंस का स्कोर 100 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार नायदा दौर सामना करेंगे इस ओवर की पांचवी गेंद का, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ। इस बार लेग स्टंप पे बाहर बॉल था, कट करने की कोशिश किया था मगर बॉल जो है चला गया मिड ऑन की तरफ, शॉर्ट मिड ऑन पे फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर मोहम्मद का और इनको अभी तक एक ही सफलता जरूर मिला है। और बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर रहते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद मोहम्मद, फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे नायदा दौर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार लेग आउट ऑफ द आउटसाइड द लेग स्टंप था, बॉल को फ्लिक कर दिया, बॉल चला गया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ यहाँ पर नायदा दौर। अपना खाता खोला है नायदा दौर ने इस सिंगल से। और 26 ओवर के बाद पाकिस्तान ओमेंस का स्कोर 101 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जो लोग अभी तक नहीं किया भाई सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार, 200 ऑल आउट होगा जाइहुल हक। भाई 200 ऑल डाउन होगा, मुझे नहीं लगता है कि 200 प्लस रन बनने चाहिए भाई, 200 प्लस रन बनने चाहिए, 210 रन मुझे टारगेट, मुझे लग रहा है कि 220 तक रन जा सकता है जिस तरीके से अगर ये दोनों विकेट अभी तक अगर रह जाए तो। ये दोनों विकेट अगर अच्छा खासा पार्टनरशिप 50-60 रनों का अगर पार्टनरशिप यहां पर इन दोनों के बीच बन जाता है तो स्कोर जो है पाकिस्तान वुमेन्स का 220-210 तक तो आराम से जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस बार फिर से एक बार बॉलिंग करने आए हैं स्टीफन टेलर, बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे यहां पर दौर ने खेल दिया इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल लेता हुआ नायदा दौर और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 26 ओवर एक गेंदों के बाद, 26 ओवर दो गेंद हो चुका है भाई, 26 ओवर दो गेंदों के बाद 102 रन, 26 ओवर दो गेंद हो चुका है 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्टीफन टेलर फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे इस बार सोहेल। और यहां पर फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ स्टीफन टेलर, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार सोहेल को, स्वीप कर दिया सोहेल ने, बॉल चला गया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन जरूर मिल जाएगा यहां पर। जी हां, एक रन लेता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 103 रन,
26 ओवर 3 गेंद हो चुका है, 26 ओवर 3 गेंदों पे 103 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार इस ओवर की चौथी गेंद सामना करेंगे इस बार नायदा दौर स्टीफन टेलर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार कट कर दिया है बॉल को, बॉल चला गया कवर की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 26 ओवर 4 गेंद हो चुका है 103 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन बॉलिंग चल रही है यहाँ पर स्टीफन टेलर की। 26 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 26 ओवर 5 गेंदों पे 103 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ स्टीफन टेलर, और इस बार स्वीप कर दिया है बॉल को फाइन लेग की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए, सिंगल लेता हुआ। और इसी के साथ 27 ओवर कंप्लीट हो चुका है, 27 ओवर में 104 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भाई लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें भाई, सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, और यहां पर 27 ओवर कंप्लीट हो चुका है, 27 ओवर के बाद रन बने हैं 104 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जियाउल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट करके भाई यहां पर लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, मोहम्मद फिर से एक बार बॉलिंग पे आए हैं, पहली गेंद डालेंगे और सामना करेंगे नायदा दौर, क्योंकि पिछली ओवर में उन्होंने सिंगल लिया था। और देखना होगा इस बार नायदा दौर क्या करते हैं, क्योंकि 3 रनों की 12 गेंद खेल चुके हैं और 3 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं। सामना करेंगे नायदा दौर इस ओवर की अगली गेंद का, पहला गेंद इस ओवर की और डॉट बॉल जरूर हुआ है। फिर से एक बार नायदा दौर सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद, और फिर से एक बार डॉट बॉल होता हुआ, लगातार यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ। 27 ओवर 2 गेंद हो चुका है, 27 ओवर 2 गेंदों के बाद 104 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार नायदा दौर को, और नायदा दौर ने स्क्वायर खेल दिया इस बार सीधा बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार यह तीसरे गेंद था जो कि डॉट खेला है नायदा दौर ने, और 27 ओवर 3 गेंदों के बाद 104 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच चलता हुआ पाकिस्तान वोमेंस और इंग्लैंड नहीं भाई, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ वोमेंस का। तो वेस्ट इंडीज़ वोमेंस ने आज टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इस बीच फिर से एक बार डॉट बॉल खेलता हुआ, तो भाई लगातार यहाँ पर डॉट बॉलें हो रही है, और 27 ओवर 4 गेंद हो चुके हैं, 27 ओवर 4 गेंद हुए हैं भाई, 27 ओवर 4 गेंद हुए 104 रन बने। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर नायदा दौर को, लगातार यहाँ पर फिर से एक बार बॉलर के पास से खेल दिया है बॉल को लॉन्ग ऑन की तरह, फील्डर मौजूद है वहां पर बॉल को रोकने के लिए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो यहाँ पर ओवर्स, यहाँ पर 28 ओवर खत्म हो चुके हैं, 28 ओवर के बाद स्कोर जो है 104 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट। यहाँ पर सिंगल, जी हाँ, यहाँ पर आखिरी बॉल पे सिंगल जरूर मिला है, और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 105 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 28 ओवर के बाद 105 रन बने हैं, आखिरी बॉल पे नायदा दौर ने सिंगल लिया है, फ्लिक करके स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को खेल दिया था। तो 28 ओवर के बाद 105 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई लाइक जरूर करो और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है भाई। तो भाई लाइक करो और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर मुझे लगता है फिर से एक बार स्टीफन टेलर आएंगे बॉलिंग डालने के लिए, और नायदा दौर है स्ट्राइक पे। स्टीफन टेलर की गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ पहली गेंद, और इस बार लेग स्टंप पे बाहर बॉल था, स्वीप करने की कोशिश किया, वहां पर मिसफील्ड हुई शॉर्ट फाइन लेग पे, और यहां पर एक रन जरूर मिलेगा, और इसी एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 28 ओवर 1 गेंदों के बाद 106 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। और इस ओवर की दूसरी गेंद स्टीफन टेलर की, और सामना करेंगे इस बार सोहेल। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ 28 ओवर 3 गेंद हो चुका है भाई। स्टीफन टेलर काफी बेहतरीन बॉलिंग डाल रहे हैं, लगातार अच्छी बॉल था, और लगातार बैट्समैन को बैकफुट में बॉल को शॉट खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहां पर स्टीफन टेलर।
तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं भाई, और इस बीच फिर से एक बार कवर की तरफ खेला था, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ 107 रन ही बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे 28 ओवर 5 गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अथवा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से बार बॉलिंग करता हुआ स्टीवन टेलर, इस ओवर की आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार काफी बेहतरीन बॉल, 2 रन जरूर मिला है कट करके। नाइदा दौर थे बैट्समैन, आखिरी बॉल पे 2 रन लेता हुआ, स्टीफन टेलर की बॉल थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, मगर इस बार स्वीप कर दिया था बॉल को, अच्छी पिक किया था बॉल को, डीप स्क्वायर लेग की तरह बॉल चला गया और 2 रन मिल चुका है नाइदा दौर को। नाइदा दौर पहुंच चुके हैं भाई 7 रनों के स्कोर पे और स्कोर हो चुका है 29 ओवर के बाद 109 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो धीरे धीरे आखिर तक आखिरी 50 ओवर तक अगर ये मतलब पाकिस्तान की टीम पूरा टीम अगर खेल जाए तो यहाँ पर रन तो जरूर बनेंगे भाई। पिच पे अगर 50 ओवर तक बैट्समैन रह जाए तो रन तो आराम से बनेंगे, और इन दोनों के बीच अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 10 रनों की पार्टनरशिप बना है। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर सोहेल है स्ट्राइक पे, और फिर से एक बार मुझे लगता है मोहम्मद आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, थैंक यू सो मच भाई। असुल बाजापे जी, और इस बार आगे निकल के आए सोहेल और खेल दिया है, 6 रनों जरूर मिल जाएगा मुझे लगता है, और यहाँ पर 6 रनों के लिए, जी हाँ 6 रन नहीं चौका, जी हाँ चौका लगा है, चौका लगा है यहाँ पर सोहेल ने, चौका लगाया, काफी कमाल का शॉट लगाया है। जानते हैं कि लॉन्ग ऑफ में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, जो कि है 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर है, उसी का फायदा उठाता हुआ सोहेल ने यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया था शॉट को, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। तो 113 रन बने हैं, 114 रन बने हैं भाई यहाँ पर 29 ओवर 3 गेंदों के बाद, 29 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं, 29 ओवर 3 गेंदों के बाद 114 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार नाइदा दौर है स्ट्राइक पे, जी हाँ नाइदा दौर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस बार मोहम्मद की गेंद का, इस ओवर की चौथी गेंद, और यहां पर बेहतरीन बॉल, डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 114 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बीच आपको बता दें कि नाइदा दौड़ ने सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 29 ओवर 5 गेंदों के बाद 115 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद की बात करें तो मोहम्मद ने अब तक ये इनका 6ठा ओवर है और 5 इसका जोरदार अपील, जी हाँ जोरदार अपील, यहाँ पर देखना होगा कि अंपायर क्या डिसीजन देता है। अभी तक अंपायर जो है सर तो हिला रहे हैं, मगर देखना होगा कि यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है कि नहीं मोहम्मद की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डाला था मोहम्मद ने, काफी अच्छी गेंदबाजी था, पूरी तरीके से लाइन से आगे भटक गए थे यहाँ पर सोहेल, आगे जरूर निकल के आए थे और थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ बॉल गया था, टान लिया था बॉल, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 30 ओवर, जी हाँ 30 ओवर खत्म हो चुका है, 30 ओवर के बाद पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 115 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं भाई, और 4 लाइक दूर है 20 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी 20 लाइक पूरा कर दीजिए भाई और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और जिन्होंने अभी तक लाइक, थैंक यू सो मच भाई, देखिए भाई ने लाइक किया, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इस बार नाइदा दौर है स्ट्राइक पे, और मुझे लगता है स्टीफन टेलर अपना ओवर खत्म करने वाले हैं, तो देखना होगा स्टीफन टेलर आते हैं या कप्तान को किसी दूसरे को बुलाता है।
तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। और देखिए भाई ने फिर से एक लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। नाइजर दौर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस बार, देखना होगा कौन आते हैं, स्टीफन टेलर आते हैं या कोई दूसरा। और तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आते भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली गेंद और कोई रन नहीं, नाइदा दौर। जी हाँ, कॉर्नेल आए भाई, कॉर्नेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, कॉर्नेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। पहली गेंद फाइन लेग की तरफ खेला था, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और फिर से एक बार नाइदा दौर, सामना करेंगे इस बार कॉर्नेल की गेंद, इस बार फ्लिक कर दिया बॉल को फाइन लेग की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, मगर इस बार सिंगल जरूर मिल जाएगा नाइदा दौर को। और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 30 ओवर दो गेंदों के बाद 116 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो धीरे धीरे ही सही यहाँ पर पाकिस्तान का कच्चा स्कोर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है भाई। आज पाकिस्तान को यहाँ पर आसानी से हराया नहीं जा सकता, थोड़ा सा जरूर यहाँ पर फाइट जरूर देंगे और वेस्ट इंडीज को। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का स्कोर, पाकिस्तान वुमेन्स का 116 रन 3 विकेट के नुकसान पे 30 ओवर दो गेंदों के बाद। फिर से एक बार कॉर्नेल बॉलिंग डालने के लिए तैयार, इस बार सोहेल है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे कॉर्नेल की गेंद का, कॉर्नेल की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल डालता हुआ सोहेल को, इस बार ऑफ स्टैंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, और बॉल को थ्रो किया अच्छी आर्म थ्रो, सिंगल जरूर मिला है। और इसी सिंगल के साथ 30 ओवर 3 गेंदों के बाद 117 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर सामना करेंगे नाइदा दौर, राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल डालता हुआ नाइदा दौर को, इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, सीधा बॉलर के हाथ में खेला है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 30 ओवर 4 गेंद हो चुके हैं, 30 ओवर 4 गेंदों पे 117 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर कॉर्नेल, और सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का नाइदा दौर। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बॉलिंग कर रहे हैं कॉर्नेल और सामना कर रहे हैं नाइदा दौर। इस ओवर की पांचवी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल डालता हुआ यहाँ पर नाइदा दौर को, राइट आर्म ओवर द विकेट डालता हुआ फुल लेंथ की बॉल, ड्राइव कर दिया है बॉल को, इस बार गैप में खेला हुआ शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बॉल चला गया है, सिंगल लेता हुआ। और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 30 ओवर 5 गेंदों के बाद 118 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस बीच आपको बता दें कि ओवर समाप्त हो चुका है और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर बॉल था, बॉल को जाने दिया, खेला ही नहीं सोहेल ने, और डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ 31 ओवर खत्म हो चुका है, 31 ओवर के बाद 118 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ पाकिस्तान वुमेन्स के लिए, ये मैच बहुत ही मायने रखता है, महत्वपूर्ण मैच है पाकिस्तान वुमेन्स के लिए। क्यों लगातार T20 मैचेस में हारने के बाद ये पहला ODI मौका है, पहला ODI है जिसमें पाकिस्तान का अच्छा स्टार्टिंग मिला था, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुआ है बीच में, मगर यहाँ पर एक अच्छा साझेदारी बनना चाहिए इन दोनों के बीच, सोहेल और दर के बीच। अगर इसके भी इन दोनों के बीच अगर 50-60 रनों की अगर अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है तो पाकिस्तान वुमेन्स कम से कम 220-230 रन तक ज़रूर यहाँ पर बना ले सकता है। अगर 220-230 रन अगर यहाँ पर बनता है तो दिक्कत ज़रूर होगा वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ियों को, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छे बॉलर भी है और इस रन को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान अपना जी जान लगा देगी। तो चलिए देखते हैं। और इस बीच लगातार पहला गेंद हो चुका है, बॉलिंग डाल रहे हैं मोहम्मद, और पहली गेंद डॉट बॉल हुआ है, कोई रन नहीं। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ मोहम्मद, और सामना करेंगे इस बार नाइदा दौर, और यहाँ पर फ्लिक कर दिया है बॉल को, बॉल चला गया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ। और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 31 ओवर दो गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है भाई 120 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैच चलता हुआ। और वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स की, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है बॉलर है लगातार जो है स्पिन बॉलर को दिया जा रहा है, मोहम्मद और स्टीफन टेलर जैसे बॉलरों को बॉलिंग करवाया जा रहा है, क्योंकि ओवर को जल्दी से जल्दी निकाले। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कट करने की कोशिश किया था, सीधा यहाँ पर विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो इसी डॉट बॉल के साथ 31 ओवर 3 गेंद हो चुका है, 31 ओवर 3 गेंदों के बाद 120 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है, 31 ओवर 3 गेंद, और यहाँ पर फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ
इस बार सोहेल ने सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ सोहेल पहुंच चुके हैं 15 रनों की स्कोर पे। स्कोर हो चुका है जी नहीं, यहाँ पर देखना होगा भाई, कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर पिच बैट जो है लाइन क्रॉस नहीं किया, इसके लिए ये रन नहीं बनेंगे। लाइन क्रॉस नहीं किया इसलिए रन नहीं बनेंगे और इसी के साथ देखना होगा भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए भाई और 2 लाइक दूर है 20 लाइक से, तो 20 लाइक जरूर कर दीजिए। 32 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 32 ओवर के बाद पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर जो है वो बने हैं 119 रन, 119 रन बने हैं भाई पाकिस्तान वुमेन्स के 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहम्मद ने अपना 7 ओवर कंप्लीट कर लिया है, 7 ओवर में मोहम्मद ने 21 रन दिए और 1 विकेट निकाले हैं, तो यहाँ पर देखना होगा। जी हाँ, फिर से एक बार कोनेल को बॉलिंग दिया गया है और सामना करेंगे इस बार नायदा दौर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस ओवर की पहली गेंद इस बार फुल लेंथ की बॉल थी, ड्राइव कर दिया कवर की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर, जबरदस्त ड्राइव लगा के बॉल को रोका है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर कोनेल की और इस ओवर की दूसरी गेंद कोनेल फिर से एक बार सामना करेंगे नायदा दौर। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की पहले दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ नायदा दौर को, नायदा दौर ने इस बार फ्लिक कर दिया बॉल को, अच्छी बॉल थी, विकेट टू विकेट बॉल किया था, रूम नहीं दिया बैट्समैन को, मगर फ्लिक करने के लिए यहाँ पर नायदा दौर ने बैकफुट में गया और सिंगल जरूर मिला है और इसी सिंगल के साथ 32 ओवर 2 गेंद हो चुका है, 32 ओवर 2 गेंदों पे 120 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई लाइक जरूर करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, काफी कमाल का मैच चल रहा है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी पाकिस्तान वुमेन्स के पास बहुत समय है मैच को निकालने का, अभी भी पाकिस्तान चाहता है तो, पाकिस्तान अगर चाहे तो इस रन को एक और इसमें 110 115 रन जोड़ सकते हैं, तो उसी हिसाब से बैटिंग करनी होगी पाकिस्तान टीम को। और इस बीच फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ, इस बार सोहेल ने सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 32 ओवर 4 गेंदों के बाद 121 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए नायदा दौर और आपको बात करें कि यहाँ पर सोहेल, ये दोनों के बीच अभी तक 22 रनों का पार्टनरशिप बन चुकी है, मगर इस दोनों के बीच अगर पाकिस्तान टीम को अगर अच्छा खासा स्कोर खड़ा करना है तो इन दोनों के बीच कम से कम 60 या 70 रनों की पार्टनरशिप होनी चाहिए। जिस तरीके से आगे जा रहा है मैच, उस तरीके से अगर बात करें तो अच्छी खासी पार्टनरशिप यहाँ पर बनता हुआ पनपता हुआ दिख रहा है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तैतीस ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 33 ओवर के बाद स्कोर जो है 121 रन बना है विदाउट एनी लॉस। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। देखिए थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। 33 ओवर खत्म हो चुके हैं, 33 ओवर के बाद स्कोर जो है पाकिस्तान वुमेन का 121 रन भाई। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, आपको बता दे ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है 33 ओवर के बाद, ये सेकंड ड्रिंक्स ब्रेक है और देखना होगा। पहला ड्रिंक्स ब्रेक में तो पाकिस्तान वुमेन्स का एक भी विकेट नहीं गया था, मगर सेकंड ड्रिंक्स ब्रेक अगर जब लिया गया तब पाकिस्तान का स्कोर 121 पे 3 है भाई। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच भाई 20 लाइक तक पहुंचाने के लिए,
और आपको बता दें ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, ड्रिंक्स ब्रेक से जाने से पहले पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 121 रन बना है 3 विकेट के नुकसान पे। एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। आपको बता दें कि एक बार स्कोर कार्ड की तरफ ध्यान देते हैं भाई, जी हाँ एक बार स्कोर कार्ड की तरफ ध्यान देते हैं। अगर स्कोर कार्ड की तरफ एक बार ध्यान देते हैं भाई, जी हाँ यहां पर आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान वुमेन्स ने रन बनाए हैं। मुनीब अली रन आउट बाय कोनेल एंड नाइट, और आयशा जाफर का कैच लिया, बेहतरीन कैच लिया था डॉटिन ने, और स्टीफन टेलर ने विकेट लिया था, जवीरा खान जिनको LBW आउट किया था मोहम्मद ने, और अभी बैटिंग कर रहे हैं सोहेल एंड नायदा दौर। 15 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं सोहेल और नायदा दौर, 12 रन बना के खेल रहे हैं। और बॉलिंग की सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंग पे, जी हाँ कुल अब तक 6 बॉलर लगाए गए हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। कोनेल जिन्होंने 6 ओवर डाले हैं 17 रन दिए हैं, कोई विकेट इनको नहीं मिला है। सिलमन जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन दिए, विकेट नहीं मिला है। आइजैक जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए, विकेट नहीं मिला है। मैथ्यूज ने पाँच ओवर डाले हैं 25 रन दिए, इनको कोई विकेट नहीं मिला है। स्टीवन टेलर ने 7 ओवर में 18 रन के विकेट निकाले हैं, और अनिसा मोहम्मद ने 7 ओवर में 21 रन दे के एक विकेट निकाले हैं। तो ये था पूरा स्कोर कार्ड, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने रन बनाए हैं उसके हिसाब से, और जी हाँ यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता हुआ, ड्रिंक्स ब्रेक या आई विल सब्सक्राइब। प्रीति कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हुए भाई, थैंक यू सो मच जी जुड़ने के लिए, और आपको बता दें थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए, जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। प्रीति कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पर फिर से एक बार मुझे लगता है स्टीफन टेलर आए भाई बॉलिंग डालने के लिए, पहली गेंद और यहाँ पर कैच आउट भाई, सोहेल थे बैट्समैन और स्टीफन टेलर की गेंद थी, और हाँ में खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया, और यहाँ पर विकेट मिलता हुआ कोनेल नहीं भाई, यहाँ पर मोहम्मद को विकेट मिला है, मोहम्मद को विकेट मिला है, जी हाँ मोहम्मद को विकेट मिला है। सोहेल आउट हो चुके हैं भाई, सोहेल आउट हो चुके हैं, और यहाँ पर मोहम्मद ने विकेट लिया है, बी कॉपर ने कैच लिया है भाई, बी कॉपर ने कैच लिया है, कॉपर ने कैच लिया है, ब्रिनिटी कॉपर ने कैच लिया है भाई। यह उनका 33वां मैच था, और काफी बेहतरीन तरीके से डीप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे थे, और यहाँ पर कैच लेता हुआ 4th विकेट सोहेल का, 15 रन के स्कोर पे आउट हुए हैं। और आलिया रियाज आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए, तो बने रहिए भाई लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आलिया रियाज आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए, और इस ओवर की दूसरी गेंद मोहम्मद का सामना करेंगे यहाँ पर आलिया रियाज, तो भाई बने रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच भाई। और 2 लाइक दूर है 25 लाइक से, देखते हैं भाई कौन जल्दी 25 लाइक आते हैं। और मोहम्मद की गेंद, और इस बार हल्का सा फ्लिक कर दिया, सिंगल के लिए दौड़ पड़े हैं, नायदा दौर थे बैट्समैन और नायदा दौर ने सिंगल लिया है, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 122 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की तीसरी गेंद, और सामना करेंगे इस बार आलिया रियाज, बेहतरीन गेंद इस बार अंदर की तरफ आई थी, बॉल को डिफेंड कर दिया, कोई रन नहीं, और इसी के साथ 3 गेंदे हो चुके हैं इस ओवर के। और मुझे लगता है आलिशा रियाज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आज खेलने वाले हैं। तो देखना होगा कि पाकिस्तान की ये टीम अब तक जो है 122 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। और इस ओवर की अगली गेंद अपनी की बंगाली, जय जी हाँ भाई, हाँ भाई
আমি বেঙ্গলি, উমা দাস আমি বাঙালি ভাই। চলিয়ে রবিজি আমার সাথে কর দিয়া ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। কৌশিক কিশোর রবিজি আমারে সাথে জুড়ে হুয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই জুড়ে কে লিয়ে। আর আপকো বতা দে কি 34 ওভার কমপ্লিট হো চুকে হ্যায়, 34 ওভার কে বাদ স্কোর জো হ্যায় পাকিস্তান ওমেন কা ও 122 রান 4 উইকেট কে নুকসান পে। কোথায় বাড়ি ভাই? আমার বাড়ি হচ্ছে কলকাতা। আমার বাড়ি কলকাতা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই 25 লাখ তক পৌঁছানে কে লিয়ে। 34 ওভার কে বাদ পাকিস্তান ওমেন্স কা স্কোর 122 রান 4 উইকেট কে নুকসান পে। और यहाँ पर 25 लाइक आने के लिए थैंक यू सो मच भाई, लाइक करके सपोर्ट करने के लिए भाई थैंक यू सो मच भाई। वो भाई बहुत ही बढ़िया भाई उमा दास जी, तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मोहम्मद ने दूसरा विकेट जरूर निकाला अपने लिए और एक महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिया है। चौथा विकेट पाकिस्तान का गिर चुका है और नायदा दौर है स्ट्राइक पे और बॉलिंग पे मुझे लगता है कोने लाए फिर से एक बार बॉलिंग डालने के लिए। आमी और कोलकाता था कि अकोन काजे सूत्रे दिल्ली थे भाई, बहुत बढ़िया, दिल्ली में काम करते हैं आप और दिल्ली में कहाँ रहते हैं? कर्नाट प्लेस में मैंने गया हूँ और कर्नाट प्लेस का जो बर्गर है वो मुझे बहुत पसंद है। और पहली गेंद इस बार शॉर्ट बॉल थी, बॉल को फ्लिक कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ यहाँ पर नायदा दौर और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर 34 ओवर एक गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए और देखते हैं, यहाँ पर काफी बेहतरीन मैच चलता हुआ पाकिस्तान वुमेन्स के लिए, ये मैच काफी महत्व रखता है। लगातार यहाँ पर T20 सीरीज जो था तीन मैचों का, वो तीन मैच वाश आउट कर दिया था यहाँ पर वेस्ट इंडीज ओमेंस ने, मगर आज जो स्टार्टिंग किया था पाकिस्तान ओमेंस का वो बहुत जबरदस्त था, मगर उसके बाद जो विकेट फॉल होते रहे चले गए और उसके कारण से पाकिस्तान का स्कोर जो है थोड़ा सा रुक चुका है और थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है। 34 ओवर तीन गेंद हो चुके हैं 123 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ओवर की चौथी गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर अलीसा रियाज और बॉल को फ्लिक कर दिया है, बॉल को फ्लिक कर दिया है, सिंगल लेता हुआ, सिंगल लेता हुआ, जी हाँ सिंगल के लिए दौड़ पड़े हैं और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो जी देखना पड़ेगा। डॉट बॉल, जी हाँ सिंगल नहीं ले पाए, मना कर दिया है यालिया दौड़ या पर दौड़ ने, नायदा दौड़ ने, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ और इसी डॉट बॉल के साथ 34 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है 123 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए भाई यहां पर आखिरी बॉल है इस ओवर का, आलिया रियाज है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद का। और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ आलिया रियाज ने और इसी सिंगल के साथ आलिया रियाज ने अपना खाता खोला है और इसी के साथ स्कोर जो है बनता हुआ 124 रन बने भाई, 124 रन बने भाई 35 ओवर के बाद। 35 ओवर हो चुके हैं कंप्लीट और 35 ओवर के बाद 124 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी अच्छा मैच चल रहा है भाई, काफी अच्छा मैच चल रहा है। परिस कमोजे, पाकिस्तान को 225 प्लस बनाना होगा तभी मैच, जी हाँ मुझे भी लगता है कि 220-230 के करीब रन बनने चाहिए पाकिस्तान के। अगर ऐसी तरीके से रन बनेंगे तब जाके मैच पे पाकिस्तान ओमेंस कुछ हद तक यहाँ पर रोक पाएगा वेस्ट इंडीज को, मैच अच्छा बन जाएगा। अगर 220-225 रन के करीब यहाँ पर पाकिस्तान ओमेंस बना लेती है तो यहाँ पर पाकिस्तान ओमेंस के लिए ये मैच बन सकता है। इस बार फिर से एक बार मोहम्मद आए भाई बॉलिंग डालने के लिए, इनका 9वां ओवर है
और पहली गेंद पे यहाँ पर रियाज ने बॉल को यहाँ पर कवर की तरफ खेला था, सिंगल लेता हुआ रियाज, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 125 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार खेल दिया है यहाँ पर फाइनल की तरफ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 35 ओवर 2 गेंदों के बाद 126 रन। भाई काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है दोनों बैट्समैन के बीच। और इस ओवर की तीसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार रियाज को आगे निकल के आए, ड्राइव कर दिया कवर की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर, ड्राइव लगा के बॉल को रोका गया, मगर सिंगल के लिए दौड़ पड़े थे मगर सिंगल नहीं ले पाए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो 35 ओवर 3 गेंदे हो चुके हैं, 35 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर जो है 126 रन बना है 4 विकेट के नुकसान पे। किंतु 225 करार जन्य एखनो एकटू मारते हबे भाई, 40 ओवर के बाद मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर विकेट नहीं है तो कैसे मारेंगे, और मारने के लिए 40 ओवर के बाद अगर इस बार बैकपुट में गए, बॉल को ड्राइव कर दिया, देखना होगा सिंगल मिलता है कि नहीं, और इसी सिंगल के साथ जी हाँ यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल चला गया, फील्डर वहाँ पर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए, सिंगल लेता हुआ 35 ओवर 4 गेंद हो चुके हैं 127 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 35 ओवर 4 गेंदे हो चुके हैं, 35 ओवर 4 गेंदों पे 127 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। भाई ओवर के हर एक ओवर में एक चौका जरूर चाहिए, अभी जिस हिसाब से 225-230 की करीब अगर रन बनाना है हो तो पाकिस्तान ओवेंस को। फिर से एक बार नायदा दौर है स्ट्राइक पे, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार मोहम्मद इस बार फ्लिक कर दिया बॉल को फाइन लेग की तरफ, रन लेने की कोशिश मगर यहाँ पर मना किया रियाज ने, जी हाँ यहाँ पर रियाज ने मना किया, आलिया रियाज ने काफी अच्छे खिला लिया है रियाज, और इसी के साथ 127 रन 35 ओवर 5 गेंदों के बाद। तो भाई फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ है मोहम्मद, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप पे बॉल था, दौड़ पड़े थे रन जी, देखना होगा जी, नहीं पहुंच चुके हैं। भाई ये रनिंग बिटवीन द विकेट पाकिस्तान के खतरे से खाली नहीं है, तो कोई रन बने नहीं है। 36 ओवर कंप्लीट हो चुका है, 36 ओवर के बाद 127 रन 4 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रन को रोकने में कामयाब जरूर हुए हैं, तो देखना होगा यहाँ पर आखिरकार आखिरी के जो 14 ओवर है, 14 ओवर में पाकिस्तान ओमेंस का स्कोर कहाँ तक पहुँचता है। 127 रन बने हैं 36 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जोगेश आलू जी आउट, भाई आउट तो अभी तक नहीं हुआ है कोई, और इस बीच आपको बता दें कोनेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, पहली गेंद डाल चुके हैं और पहली गेंद पे कोई भी रन नहीं बने, भाई आउट होने से आपको पता चल जाएगा भाई जोगेश जी। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर की, हाउ मच टारगेट कैन बी डिफेंड बाई पाक। भाई सत्य राज जी आपको बता दे यहाँ पर मुझे लगता है 200 भाई जो रन नहीं बन पाएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैदान है, ग्राउंड है, अगर 220-230 के करीब रन बन जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस रन को डिफेंड कर सकता है। सत्यराज जी अगर इफ देयर आर पाकिस्तान मेक 225 प्लस रन इन दिस ग्राउंड विल बी डिफेंडेड बाय पाकिस्तान ओमेंस टीम। चलिए देखते हैं भाई हु इज इन द मैच, भाई यहाँ पर देखना होगा कि कौन यहाँ पर 220-225 की करीब अगर पाकिस्तान ओमेंस रन बना लेता है इस ग्राउंड पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान ओमेंस जो है मैच पे बना रहेगा आखिर तक। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार कोनेल बॉलिंग करता हुआ, काफी अच्छी बॉल सीधा फ्लिक किया था, यहाँ पर मिड ऑन पे फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो यहाँ पर 36 ओवर 4 गेंदे हो चुके हैं, 36 ओवर 4 गेंदों के बाद 128 रन बने 4 विकेट के नुकसान पे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए भाई, पक्का विन वेस्ट इंडीज वोमेन। भाई यहाँ पर पक्का कच्चा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है प्रेडिक्टेड होता है, और वो प्रेडिक्शन आप भी कर सकते हैं।
वो प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हैं, इसके लिए मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। मगर जिस तरीके से मैच चल रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से स्टार्ट किया था मैच को, अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा फिलहाल रन पे ज़रूर रोक लगा है, थोड़ा सा स्लो खेलता हुआ पाकिस्तान की टीम। और मुझे लगता है कि आयशा जाफर आउट होने के बाद ये रन जो है बहुत स्लो होता हुआ, बहुत ही स्लो हो चुका है। आयशा जाफर जो कि 46 रन बना के आउट हुए, उसके बाद से रन पाकिस्तान का स्कोर बहुत ही स्लो होता हुआ। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ कट कर दिया पॉइंट की तरफ, रन मिल जाएगा यहाँ पर एक, और इसी एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 37 ओवर के बाद 130 रन। 37 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 130 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई टारगेट 200 पक्का, भाई देखते हैं 200 भी रन मुश्किल लगता है अब जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं। 200 प्लस बनेगा भाई, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं अभी तक, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं 200 मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो है डेथ ओवर आ गया है। डेथ ओवर में अपना जो फ्रंट लाइन बॉलर है, कप्तान जो है वो फ्रंट लाइन बॉलर को यूज़ करेगा, और दबाव में है पाकिस्तान की टीम, कोशिश करेगी बड़े शॉट खेलने के लिए और आउट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस बीच सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 37 ओवर 2 गेंदों के बाद 132 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हेलो आई एम फ्रॉम दिल्ली, भाई हर्षित नागर जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुका है। भाई पाकिस्तान बहुत स्लो रन बना रहा है, जी हाँ भाई बहुत ही स्लो रन बना रहा है, मगर इस बार फिर से एक बार लगातार सिंगल लेता हुआ 37 ओवर 2 गेंदों के बाद एक स्कोर हो चुका है 132 रन। वाइड बॉल का सलाम प्यार का, और इसी वाइड बॉल के साथ एक रन बढ़ता हुआ 37 ओवर 2 गेंदों के बाद 133 रन। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बस बार बैकफुट में गए, ड्राइव कर दिया बॉल को, सिंगल लेता हुआ चलिए देखते हैं। यहाँ पर डर है स्ट्राइक, यहाँ पर आलिया रियाज है स्ट्राइक पे। 37 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 135 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद बॉलिंग डालेंगे मोहम्मद, अपना आखिरी ओवर डालेंगे और सामना करेंगे इस बार आलिया रियाज। आखिरी गेंद यहाँ पर मोहम्मद का, इस ओवर का अपनी स्पेल का आखिरी गेंद डाल रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट डालता हुआ इस बार रियाज को, रियाज इस बार बैकफुट में गया है, बॉल को ड्राइव कर दिया थर्ड मैन की तरफ, फील्डर भाग रहे हैं, सिंगल जरूर मिलेगा, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 38 ओवर के बाद 136 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। तापस आरिच जी हमारे बोल रहे हैं भाई लाइव नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 38 ओवर हो चुका है, पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 136 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद का बैटर्स लोग कैसे हैं भाई, इसके बाद का बैटिंग करने वाले लोग भी अच्छे बैटिंग करते हैं भाई, टेलेंडर्स हैं मगर बैटिंग भी करते हैं अच्छा। 200 बनेगा या नहीं भाई, जिस तरीके से रन बन रहा है मुझे नहीं लगता कि 200 बन सकते हैं, मगर यह क्रिकेट मैच है कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से ये दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ओवर में भाई सिर्फ और सिर्फ 6 रन आए। थैंक यू हर्षित नागर जी, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद ने 10 ओवर डाले हैं, 31 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, और फिर से एक बार मुझे लगता है कि कोनेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, और सामना करेंगे यहाँ पर रियाज, आलिया रियाज। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ आलिया रियाज को, इस ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ, जी हाँ बॉल डॉट बॉल होता हुआ,
राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डाला था, ऑफ स्टंप पे बाहर बॉल था, कट करने की कोशिश किया था मगर वहां पर बेहतरीन फील्डिंग किया पॉइंट में, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, कोई रन नहीं। और यहाँ पर आप कहाँ से हो भाई? भाई तापस आईच जी, आपको बता दें मैं कलकत्ता से हूँ भाई, कलकत्ता से हूँ। तो चलिए देखते हैं इस ओवर की दूसरी गेंद, और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ अली आरियाज, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 37 रन। और इस बार जो बॉल था वो गुड लेंथ की बॉल थी, बॉल को ड्राइव कर दिया था कवर की तरफ, कोई रन सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ 38 ओवर दो गेंदों के बाद 137 रन बने हैं पाकिस्तान वुमेन्स का 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेहतरीन मैच यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, और देखना होगा पाकिस्तान को कोशिश करनी होगी कि 225 तक रन को ले जाना चाहिए। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार डार को फ्लिक दिया बॉल को, बॉल चला गया मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है, ड्राइव लगा के बॉल को रोका है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो दर जो है 47 गेंद खेल चुके हैं अभी तक, 48 गेंद खेल चुके हैं, और यहाँ पर 2 रन जरूर मिलेगा, 2 रन यहाँ पर सिंगल लेता हुआ दौर, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल था और फ्रंट फुट में आके इसको थर्ड मैन की तरफ खेल दिया था, शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर मौजूद था, बॉल को रोक लिया, ड्राइव लगा के सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 138 रन 4 विकेट के नुकसान पे। भाई लेट कमेंट्री दे रहे हैं, जी हाँ सत्यराज जी लेट कमेंट्री दे रहा हूँ इसी कारण से, क्योंकि अगर मुझे अगर फास्ट कमेंट्री देना होगा तो स्कोर बोर्ड को स्लो करना होगा, डिले करना होगा, तो मैं स्कोर बोर्ड डिले नहीं कर रहा हूँ, और जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो डिले कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्कोर बोर्ड को डिले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फास्ट स्कोर बोर्ड आपके सामने है। तो चलिए भाई यहाँ पर थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और मोहम्मद यहाँ पर रियाज है स्ट्राइक पे, रियाज नहीं नाइडा डॉर है स्ट्राइक पे, और सामना करेंगे इस ओवर हो चुके हैं 39 ओवर हो चुके हैं, 39 ओवर में 139 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 39 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 39 ओवर में 139 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बहुत सारे भाई बने हुए हैं, और जिन्होंने बने जो लोग बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेहतरीन मैच हो रहा है पाकिस्तान वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच, और बात करें यहाँ पर पाकिस्तान वुमेन्स को भाई यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं चलता है, भाई यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं चलता है, क्योंकि प्रमोशन करना बिना जांचे हुए प्रमोशन करना मेरा जो व्यूअर्स है उसके लिए हानिकारक है, तो मैं इस टाइप का कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो इस बीच थैंक यू सत्यराज जी समझने के लिए, और आपको बता दें कि यहाँ पर रियाज है स्ट्राइक पे, और पहली गेंद यहाँ पर सेलमैन का, और डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉल के साथ ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था, बॉल को खेल दिया था पॉइंट की तरफ मगर यहाँ पर अच्छी ड्राइव लगा के बॉल को रोका गया। 39 ओवर एक गेंद हो चुके हैं, 139 रन 4 विकेट दिखाने के लिए बोला। भाई आप देखने के लिए बोल रहे हैं कि मगर लिंक देख के क्या करूंगा भाई। और इस बार सीधी बॉल, बॉल को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ 140 रन 4 विकेट के नुकसान पे 39 ओवर दो गेंदों के बाद। तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेहतरीन मैच चलता हुआ, मैथ्यूज बॉलिंग कर रहा है भाई, मैथ्यूज बॉलिंग कर रहे हैं, और सामना यह इनका छठा ओवर है मैथ्यूज का, और सामना कर रहे हैं यहाँ पर अली आरियाज। और यहाँ पर चौका, जी हाँ नायदा दौर, यहाँ पर नायदा दौर ने चौका लगाया, बेहतरीन चौका, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया शॉट को, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है बन चुका है 39 ओवर 3 गेंदों के बाद 144 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मैथ्यूज की काफी खराब गेंद थी ये, जो कि शॉट लगाया नायदा दौर ने, इस बार बैकफुट में जाके कोशिश किया था बॉल को खेलने के लिए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉल के साथ 39 ओवर 4 गेंदों के बाद 144 रन 4 विकेट के नुकसान पे।
जी हाँ, आज हर्षित नागर जी, एमएस धोनी का आज हैप्पी बर्थडे है, बहुत ही बढ़िया। और भारत को ऐसा कोई ट्रॉफी नहीं है जो एमएस धोनी ने नहीं दिलाए, तो उनके लिए भाई सचमुच का दिल से हैप्पी बर्थडे। तो चलिए देखते हैं, नाइदा दौड़ ने इस बार सिंगल ले आया और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है भाई 145 रन 40 ओवर के बाद। मैथ्यूज का ये ओवर में काफी अच्छा रन आए, पाकिस्तान का 145 रन बन चुका है 40 ओवर में। पाकिस्तान ओमान का स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और इस ओवर में थोड़ा सा रन का गति आया है जरूर, और देखना होगा कि बाकी आखिर के 10 ओवर में पाकिस्तान ओमेन्स कहां तक इस रन को ले जा पाता है कि 40 ओवर में 145 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नाइदा दौर है स्ट्राइक पे, और देखना होगा कि बॉलिंग पे चेंजेस हुए हैं भाई। बॉलिंग पे फास्ट बॉलर को लाया गया है और बॉलिंग करने आए हैं, देखना होगा कि कौन आए भाई बॉलिंग करने के लिए। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज का ये मैच थोड़ा सा लेट चल रहा है भाई, तो थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कीजिए और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला गेंद यहाँ पर राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ अनाइदा दौर को इस बार फ्लिक कर दिया था, फाइन लेग की तरफ बॉल चला गया, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं है, 4 रन मिल गए भाई। चौका, पहला गेंद और 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 149 रन 4 विकेट के नुकसान पे 40 ओवर 1 गेंदों के बाद। नाइदा दौर थोड़ा सा गियर बदलता हुआ, 28 रनों के स्कोर पे पहुंच चुका है। तो भाई फिर से एक बार नाइदा दौर सामना करेंगे यहाँ पर सेलमैन की गेंद का। सेलमैन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार फ्लिक कर दिया बॉल को, फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ नाइदा दौर। काफी अच्छी गेंदबाजी था यहाँ पर, अच्छा कमबैक किया था सलमान ने। इस बार फुल लेंथ की बॉल थी, बॉल को हल्का बैटों से खेला था यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेता हुआ भाई। काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है इस बार नाइदा दौर। नाइदा दौर पहुंच चुके हैं 29 रनों के स्कोर पे, और स्कोर हो चुका है 40 ओवर 2 गेंदों के बाद 150 रन हो गए भाई पाकिस्तान ओमेन्स का 4 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर, फिर से डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर भाई, विकेट कीपर सो आगे की तरफ ऊपर के आए गए थे, तो यहाँ पर अलिया रियाज ने बॉल को मिडिल ऑफ द बैट खेला था, सीधा बॉलर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ 40 ओवर 3 गेंदों के बाद पाकिस्तान ओमेन्स का स्कोर 150 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विनय शुक्ला जी क्या पूछ रहे हैं भाई, विनय शुक्ला जी पूछ रहे हैं भैया 200 बनेंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है गियर बदल रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस है भाई, थोड़ा सा चांसेस है, 20% चांस है कि यहाँ पर 200 प्लस रन बन जाएंगे पाकिस्तान के, 80% चांस है कि नहीं बनेंगे, मगर 20% चांस है कि पाकिस्तान ओमेन्स का स्कोर जो है 200 प्लस बन सकते हैं। मगर इस बीच सिंगल लेता हुआ, जी हाँ, इस ओवर की 5वीं गेंद, और इस बार सिंगल लेता हुआ आलिया रियाज ने बॉल को हल्के बैटों से खेल दिया था कवर की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद था, मगर जब थ्रो अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो शायद आलिया रियाज के लिए दिक्कत हो सकता था, मगर 1 रन जरूर मिला है, और इसी 1 रन के साथ 40 ओवर 5 गेंद 151 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए भाई। विनय शुक्ला जी पूछ रहे थे 200 बनेंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि 20% चांस है कि 200 बन जाए जिस तरीके से मैच चल रही है। और इस बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, फ्लिक कर दिया बॉल को, कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, देखना होगा फील्डर बॉल को रोक पाते नहीं कि, जी हाँ यहाँ पर बॉल को रोक लिया है, 2 रन मिल चुके हैं, और इसी 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 153 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच की कमेंट्री करोगे? साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड भाई, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, आयरलैंड बोलिए भाई, देखना पड़ेगा भाई। अभी जो है बांग्लादेश और जो जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट मैच चल रहा है उसका कमेंट्री तो जरूर करूंगा, और पाकिस्तान इंग्लैंड कल भाई, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा है भाई। कैसे हो सर भाई? बहुत बढ़िया, राज गेमिंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत ही मुंदाल, राज गेमिंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, वेलकम जी राज गेमिंग जी। और यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ, फिर से एक बार ब्रेक लिया गया क्योंकि जानते हैं बहुत देर से खेल रहे हैं, और
थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज करेंगे जरूर, इसलिए ब्रेक लिया गया है। और देखना होगा रियाज अलिया, रियाज है स्ट्राइक पे और 9 ओवर की मैच बाकी है भाई, तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बॉल फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, स्पिन बॉल बैकफुट में गए, ड्राइव कर दिया इस ओवर के कवर की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल मिलेगा और इसी डॉट बॉल के साथ 153 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और फिर से एक बार विकेट, जी हाँ बेहतरीन विकेट मैथ्यूज ने कमाल कर दिया भाई, अलिया रियाज थे बैट्समैन और बॉलर में थे मैथ्यूज, बॉलिंग किया था इस बार मैथ्यूज ने, फ्लैटेड गेंद था, स्वीप करने की कोशिश किया था, पूरी तरीके से लाइन से बीट हो गए और बॉल जो है पैड पे लगी और यहाँ पर अंपायर ने कोई गलती नहीं की विकेट उंगली उठाने में और यहाँ पर 5वां विकेट गिरता हुआ अलिया रियाज के रूप में। अलिया रियाज 12 रन बना के LBW आउट हुए हैं, मैथ्यूज की मैथ्यूज नहीं भाई यहाँ पर टेलर की, स्टीफन टेलर ने विकेट निकाला है, स्टीफन टेलर ने विकेट निकाला है भाई। और अलिया रियाज का काफी कमाल के बॉलिंग किया है स्टीफन टेलर ने और स्कोर है 5, 153 रन पे 5 विकेट चला गया है 41 ओवर 2 गेंदों के बाद। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो भाई को। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करना और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विकेट चला गया है अलिया रियाज 12 रन बना के, 30 गेंद खेले थे 12 रन बनाने के चक्कर में और स्टीफन टेलर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, फ्लैटेड गेंद थी जो कि पूरी तरीके से लाइन से भटक गए थे अलिया रियाज और बॉल जो है पैड पे टकराई और यहाँ पर स्वीप करने की कोशिश किया था अलिया रियाज ने तो विकेट मिलता हुआ। नवाज आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए, नवाज आए हैं बैटिंग करने के लिए, सिद्रा नवाज जी हाँ आते ही सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 154 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए और इस बार शॉर्ट बॉल थी, शॉर्ट बॉल को पुल कर दिया था, अच्छी बैटिंग करता हुआ नवाज और इसी 1 रन के साथ खाता खोला है, स्कोर हो चुका है 41 ओवर 3 गेंदों के बाद 154 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर स्टीफन टेलर, सामना करेंगे यहाँ पर अलिया दौर, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार बैकफुट में गए, ड्राइव कर दिया इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर बॉल को रोकने के लिए, सिंगल मिलेगा यहाँ पर नाइदा दौर को और नाइदा दौर इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है भाई 155 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नाइदा दौर धीरे धीरे 32 रन बना लिया है, फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार हल्का सा पोल को पुश कर दिया है, अच्छा तरीके से दिशा दिया थर्ड मैन की तरफ, सिंगल लेता हुआ यहाँ पर नवाज और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 156 रन 5 विकेट के नुकसान पर 41 ओवर 5 गेंदों के बाद। राम राम जी, राम राम, रिंगटोन लबाड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमा दास जी बोल रहे हैं भाई अरे दादा स्टीफन मैदार ना चल छेले नाम स्टीफन टेलर, स्टीफन टेलर भाई यहाँ पर या स्टीफन टेलर जो है ये लड़की का नाम है भाई, मेद नाम स्टीफन टेलर। तो चलिए देखते हैं और इस बार 42 ओवर जी हाँ 42 ओवर खत्म हो चुके हैं, 157 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर रहते भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 42 ओवर के बाद 157 रन 5 विकेट के नुकसान पे। सागर देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई सागर देवनाथ जी जुड़ने के लिए। रिंगटोन जी कह रहे हैं टेलर मेरा कप्तान है, चलिए टेलर आपका कप्तान है, दूसरा 2 विकेट निकाल लिया है और बैटिंग में देखना होगा कि क्या करता है कमाल। चलिए राज गेमिंग जी कह रहे हैं भाई आप जे आज T10 का कमेंट्री नहीं किया क्यों भाई, आज बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैं कर रहा था तो इस बीच लाइन का मेरा बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर मौसम बहुत खराब हो चुका था तो इसलिए मैंने 11:30 बजे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो चुका था इसलिए मैंने ट्राई किया कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का जो मैच है उसको कमेंट्री करने का, मगर उसमें भी मेरा पावर कट हो गया था, मौसम इतना ख़राब था, मगर अभी अब मौसम सही है और मैं अभी इंडिया पाकिस्तान वुमेंस और वेस्ट इंडीज वुमेंस का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। आपको बता दें कि यहाँ मेरा जो यहाँ पर मौसम है 2-3 दिनों से बहुत ही ख़राब चल रहा है भाई,
তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই লাইক করকে সাপোর্ট করতে গেলে আমাদের যে আপনি বারবার ভুল করছেন ভাই ভুল করছি দাঁড়ান দেখে নিচ্ছি দেখে নিচ্ছি ভাই ঘাবড়াবেন না স্টাফানি টেলার স্টাফানি টেলার ভাই স্টাফানি টেলার ठीक है भाई युमा दास जी स्टाफानी टेलर राज गेमिंग जी कल न्यू T20 आ रहा है कमेंट ही करोगे क्या कौन सी T20 आ रहा है भाई कल कल तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार सेलमैन हाँ में खेल दिया है बॉल को देखना होगा चौका है या छक्का चार रनों के लिए जी हाँ बेहतर चौका चौका नहीं भाई ये छक्का अंपायर ने कंफर्म किया ये छक्का है और इसी छक्के के साथ इस बार मिड विकेट के ऊपर से निकाल दिया है बॉल को नायदा दौड़ ने नायदा दौड़ पहुंच चुका है 40 स्कोर हो चुका है 165 रन 5 विकेट के नुकसान पे ओनली भाई चलिए देखते हैं रिंगटोन लवर जी कह रहे हैं कहां से हो भाई आप मैं भाई यहां पर कलकत्ता से हूं कल ओ अच्छा माल्टा बेल्जियम का T20 है जी हाँ यहाँ पर 11:30 बजे मगर मैं जो स्टार्ट किया हूँ भाई बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का वैसी का कमेंट्री करूँगा मैंने T20 का स्टार्ट नहीं किया था एक सीरीज एक मैच को पकड़ने के बाद उसको ख़त्म करना चाहिए भाई ये मेरा नियम है तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार सलमान बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और यहाँ पर फ्लिक कर दिया बॉलर के बगल से खेल दिया शॉट सिंगल लेता हुआ यहाँ पर नायदा दौर और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 42 ओवर 4 गेंदों के बाद 166 रन 166 रन 5 विकेट के नुकसान पे तो भाई बने रहिए लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कहाँ से हो भाई रिंगटोन लवर जी मैं कलकत्ता से हूँ भाई तो फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद सेलमैन की राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार नवाज थे बैट्समैन बॉल विकेट कीपर के बगल से बॉल निकल गया है वहां पर फील्डर मौजूद है 2 रन आराम से मिल जाएंगे नहीं यहाँ पर सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 42 ओवर 5 गेंदों के बाद 167 रन 5 विकेट के नुकसान पे ये 22 रन का इशारा जी हाँ बैट पे नहीं लगा था विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई थी और सर दिल्ली में बहुत गर्मी है जी हाँ हर्षित नागर जी दिल्ली गर्मी का जगह है मैं जब दिल्ली का कर्नाट प्लेस में रहता था तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी T10 का मैच लाइव दिखा सकते हूँ लेकिन और कोई मैच दिखा देखना चाहता हूँ तो मनी लगता क्यों रहा है पता नहीं है भैया अब ये सब मुझे पता नहीं थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए और बता दे इस बीच नो बॉल और फ्री हिट नो बॉल और 1 रन मिलेगा नो बॉल हुआ है और फ्री हिट वाला बॉल है 168 रन बन चुके हैं भाई नो बॉल हुआ है और इसी नो बॉल के साथ 1 रन बढ़ता हुआ 168 रन बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पे अभी फ्री हिट वाला बॉल है सलमान फ्री हिट वाला बॉल है सामना करेंगे नायदा दौर को सलमान ये फ्री हिट वाला बॉल है और विक्रम यादव जी कर कहां से हो मैं कहां से हूं विक्रम यादव जी मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूं भाई फ्री हिट वाला बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ नायदा दौर को इस बार नायदा दौर ने हाँ में खेलने की कोशिश किया था मगर बॉल ज्यादा दूर नहीं गई और सिंगल लेता हुआ नायदा दौर और इसी सिंगल के साथ 43 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं 43 ओवर के बाद 169 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे कुछ बारिश दिल्ली में भेज दीजिए भाई कोशिश करता हूँ बोरा भेज दीजिए बोरे से भर के भेज दूंगा बारिश तो चलिए बृष्टि একেবারে হচ্ছে না এখানে ভাই বৃষ্টি সত্যি ভাই এখানে তো প্রতিদিন মেঘ করে আসছে অল্প বৃষ্টি হচ্ছে আবার ছেড়ে যাচ্ছে তো চালিয়ে দেখতে হ্যাঁ ভাই বনে রইয়ে লাইক জরুর কিজিয়ে আর চ্যানেল পড়া দেবা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব জরুর কিজিয়েগা বেহতরিন ম্যাচ চলতা হওয়া ইয়াঁ পর পাকিস্তান ওমেন্স নে 43 ওভার কে বাদ 169 রান বনা লিয়ে 5 উইকেট কে নুকসান পে আর ইয়াঁ পর বোলিং করনে আয়ে হ্যায় मुझे लगता है फिर से एक बार स्टीफन टेलर आए हैं बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे यहां पर नायदा दौर पहली गेंद स्टीफन टेलर की राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ बैकफुट में जाके कट करने की कोशिश किया था पूरी तरीके से लाइन से भटक गए थे
यहाँ पर नाइदा दौर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो 43 ओवर एक गेंद हो चुका है, 169 रन बनाए, 5 विकेट के नुकसान है। भाई अपनी बांगला ये कथा बोलें আরিফ তুতুল জি, আমি বাঙালি তাই এই কথা বলছি, আমি বাঙালি, আমি কলকাতায় থাকি। ফির সে একবার বোলিং করতে হওয়া, বেশি আগলি গেন্দ লেগ সাইড সে বাহার বল কিয়া থা, সুইপ কর দিয়া ইয়াঁ পর ফাইন লেগ কি তরফ, ফিল্ডার ওয়াঁ পর ড্রাইভ লাগা কে বল কো রোকা হ্যায়, সিঙ্গল রন ইয়া দো রন ইয়াঁ পর দেখনা হোগা। জি হ্যাঁ, ইয়াঁ পর সিঙ্গল রন মিলতা হওয়া আর ইসি সিঙ্গল কে সাথ স্কোর হো চুকা হ্যায়, 43 ওভার দো গেন্দ কে বাদ 170 রন, 5 উইকেট কে নুকসান পে। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और 3 लाइक दूर है 4 लाइक से, तो 4 लाइक भाई ना भाई ना भाई ना भाई ना, तो यहाँ पर और 3 लाइक दूर है 40 लाइक से, तो 40 लाइक जरूर पूरा कर दीजिए। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार फिर से एक बार अच्छी स्वीप करने की कोशिश, और यहाँ पर विकेट। जी हाँ, स्टीवन टेलर ने अपना 3rd विकेट निकाल लिया है और स्कोर हो चुका है 170 पे 6 विकेट, और यहाँ पर नवाज आउट हो गए भाई, नवाज आउट हो गए हैं 4 रन बना के, LBW आउट हुए हैं। फिर से एक बार स्वीप करने की भाई, यहाँ पर स्टीफन टेलर की बॉल अगर आप स्वीप करने के लिए जाते हैं तो भाई थोड़ा सा आपको बेहतर बैटिंग करना होगा, इसके कारण से पूरी तरीके से लाइन से भटक गए थे। फिर से एक बार बॉल जो है पैड पे लगी और यहाँ पर अंपायर ने वुंगड़ी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पर 6th विकेट गिरता हुआ पाकिस्तान ओमन का 170 पे 6, 43 ओवर 3 गेंदों के बाद करते पारबे। भाई আরিফ তুতুল জি, अपनी बोली आपके बोली एखाने मने होच्छे जे 200 रन होए जेते पारे, मे बी 20% चांस है 200 रन बनने का। तो भाई यहाँ पर लाइक करके 40 लाइक तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं पारगंज में रहता हूँ, पहाड़गंज, अच्छा पहाड़गंज में रहते हैं भाई, बहुत बड़ा मार्केट है पहाड़गंज का, जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है भाई पहाड़गंज का। अमित लिमिट खेली ना फैंटेसी एकदम, चलिए दादा तुम ही ड्रीम ना भाई, खेली ना भाई, ना भाई खेली ना। इस बार बॉलिंग साना आए भाई बैटिंग करने के लिए, और पहली गेंद ड्राइव कर दिया है बॉल को लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डिंग मौजूद सिंगल लेता हुआ, इसी सिंगल के साथ 43 ओवर 4 गेंद हो चुके हैं, 43 ओवर 4 गेंदों के बाद 171 रन 6 विकेट के नुकसान पे। लाइव कहां से हो रहा है भाई, विक्रम यादव जी आपको बता दें कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इंटरनेट आपके साथ है और इंटरनेट में आप और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एकदम आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा भाई। नाइदा दौर स्ट्राइक पे है, सामना करेंगे इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार स्टीफन टेलर, इस ओवर की 5वीं गेंद, इस बार फुल लेंथ बॉल थी, बॉल को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर बॉल को फील्ड करने के लिए, सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है भाई 43 ओवर 5 गेंदों के बाद 172 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ पाकिस्तान ओमेंस का, स्कोर जो है 43 ओवर 5 गेंदों के बाद 172 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। इस बार साइना है स्ट्राइक पे और यहाँ पर ओवर समाप्त। जी हाँ, बेहतरीन यहाँ पर बॉलिंग डालता हुआ स्टीफन टेलर, स्टीफन टेलर ने अब तक 9 ओवर डाले हैं, 9 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं। तो भाई कमेंट, भाई कमेंट्री की जगह भाई नहीं दिखा सकते भाई, शुभम पॉल जी, शुभम पॉल जी नहीं दिखा सकते, कुछ पॉलिसी है उनके खिलाफ, मैं नहीं जा सकता। तो चलिए देखते हैं, 44 ओवर के बाद 172 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाइदा दौर यहाँ पर साना, जी हाँ साना है, फतिमा साना स्ट्राइक पे है और कोनेल आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए, कोनेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, फतिमा साना है स्ट्राइक पे, फतिमा साना है स्ट्राइक पे। तो चलिए देखते हैं कोनेल की गेंद बाजी, और यहां पर कप्तान थोड़ा सा बात करते हुए कोनेल से, क्योंकि जानते हैं यहां से अगर विकेट नहीं निकाला जाएगा तो रन जो है 200 प्लस रन जरूर बन जाएगा। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह लाइक करो भाई को, सपोर्ट जरूर करो। तो चलिए देखते हैं, यहां पर कोनेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे यहां पर नाइदा दौर सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद बहुत ही जल्द आने वाला है, कोनेल कोनेल फील्डिंग में तब्दीली करते हुए
यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है साना बॉलर और बैट्समैन ऑलराउंडर। भाई यहाँ पर साना की अगर बात करें तो थोड़ा सा मुझे देखना होगा फतिमा साना के बारे में। फतिमा साना जो है, फतिमा साना अभी तक जो है बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं भाई। और 4 रन, जी हाँ, यहाँ पर चौका, पहली गेंद इस ओवर की और यहाँ पर चौका लगाता हुआ नाइदर दौर। नाइदर दौर ने चौका लगाया और स्कोर को 176 तक पहुंचा दिया है 44 ओवर 1 गेंदों के बाद। नाइदर दौर पहुंच चुके हैं 48 रनों की स्कोर पे। नाइदर दौर पहुंच चुके हैं 48 रनों की स्कोर पे, 176 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे। नाइदर दौर 48 रनों की स्कोर पे खेल रहे भाई। कोनेल बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंद और यहाँ पर फैट से एक बार नाइदा दौड़ ने इस बार सिंगल लेता हुआ, फुल बॉल शॉर्ट बॉल थी, बॉल को पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ नाइदा दौड़ और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 44 ओवर 2 गेंदों के बाद 177 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस ओवर की तीसरी गेंद। नाइदा इस बार साना, फतिमा साना स्ट्राइक पे सामना करेंगे इस बार कोनेल की गेंद का। तो बने रहिए, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल लगाता हुआ कोनेल इस बार साना को, इस बार फुला लेंथ बॉल थी और आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, बॉल को फ्लिक कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है, स्कोर हो चुका है 178 रन 6 विकेट के नुकसान पे 44 ओवर 3 गेंदों के बाद। 44 ओवर 3 गेंद हो चुका है, 44 ओवर 3 गेंदों के बाद 178 रन बने 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर कोनेल, पाकिस्तान 196 तक ही बना सकता है, जी नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर इस पोजीशन में नाइदा दौर अगर रह जाता है। इस बार नाइदा दौर ने पुल कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहाँ पर ड्राइव लगा के बॉल को रोका है, यहाँ पर देखना होगा सिंगल जरूर मिला है और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है भाई 169 रन 179 रन बन चुका है भाई 6 विकेट के नुकसान पे। 179 रन बन चुके हैं 44 ओवर 4 गेंदों के बाद 6 विकेट के नुकसान पे। फतिमा साना जो कि 2 रन के ओवर पे खेल रहे और लगातार नाइदा दौर उनको यहाँ पर समझाते हुए, क्योंकि फतिमा साना अब तक कुल 5 ODI मैच खेले हैं, 5 ODI मैच खेले हैं फतिमा साना ने, यह इनका 5वां 6वां ODI है। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार कोनेल बॉल करता हुआ इस ओवर की 5वीं गेंद। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, बॉल को फ्लिक कर दिया है, बॉल चला गया इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल लेता हुआ फातिमा साना और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 180 रन बन चुका है भाई 44 ओवर 5 गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। बेहलार कोथाई थकें, बेहलार कोथाई उमा दास जी, मैं बेहला में नहीं रहता हूँ, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, जादवपुर में रहता हूँ मैं। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर। इस बार ओवर की आखिरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ साइदा दौर को, इस बार फुल लेंथ की बॉल थी, ड्राइव कर दिया है इस बार बॉलर के बगल से, बॉल निकल गया है सीधा 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 45 ओवर के बाद 184 रन बन चुके हैं भाई। काफी अच्छा बैटिंग करता हुआ पाकिस्तान के नाइदा दौर, और नाइदा दौर बैटिंग कर रहा है 54 50 रन की स्कोर पे, 50 रन नहीं भाई 54 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं नाइदा दौर, और इसी 4 के साथ 4 चौके के साथ स्कोर हो चुका है पाकिस्तान वुमेन का स्कोर 184 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी को बोलूंगा भाई अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार फतिमा साना है स्ट्राइक पे, 3 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ नाइदा दौर जिन्होंने 54 रन बना के खेल रहे हैं। नाइदा दौर काफ़ी अच्छे बॉलिंग भी करते हैं भाई, मौने हॉय 225 होते पारे भाई, मुझे भी लगता है कि यहाँ पर 225 तो नहीं 215 तक तो आराम से बन सकते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार टेलर वाइड बॉल, वाइड बॉल होता हुआ और इसी वाइड बॉल के साथ स्कोर हो चुका है 186 रन 186 ने 185 रन बने हैं भाई 45 ओवर के बाद। इस ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ टेलर, टेलर का बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, सिंगल लेता हुआ 45 ओवर 1 गेंदों के बाद 186 रन 6 विकेट के नुकसान पे। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो भाई को। और बेहतरीन मैच होता हुआ नाइदा दौर फिर से एक बार स्ट्राइक पे सामना करेंगे यहाँ पर इस ओवर की दूसरी गेंद का। टेलर इस बार स्लो मीडियम बॉल डाला था, बॉल को फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर मौजूद था बॉल को रोकने के लिए और 1 रन मिल गया है नाइदा दौर को। नाइदा दौर पहुंच चुका है 55 रनों के स्कोर पे और पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 187 रन बन चुका है 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, फातिमा साना स्ट्राइक पे, लेग साइड से बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का
और इसी वाइड बॉल के साथ स्कोर बोर्ड पे एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ पाकिस्तान वुमेन्स का 188 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। फतिमा साना है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे टेलर की गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ टेलर, और टेलर ने इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल था, बॉल को हल्का बैटों से खेल दिया था कवर की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर हो चुका है 45 ओवर 3 गेंदों के बाद 188 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ फतिमा साना को, फतिमा साना ने इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बॉल था, कट करने की कोशिश किया था, बॉडी से दूर जाके खेलने की कोशिश, जोरदार अपील हुआ है, देखना होगा अंपायर क्या डिसीजन देता है, मगर यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं दिया अंपायर ने, बोला है कि नॉट आउट है, ये स्टैंप आउट किया था भाई यहाँ पर विकेट कीपर ने, मगर अच्छा खासा यहाँ पर रन बन चुका है पाकिस्तान वुमेन्स का 188 रन बन चुका है 45 ओवर 4 गेंदों के बाद 6 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए देखते हैं भाई जादवपुर मिडिल रोड, जी नहीं जादवपुर में भी जो 8B बस स्टैंड है उससे थोड़ा सा आगे पाल बाजार, आप जानते हैं पाल बाजार से आगे। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर बॉल था, बॉडी से दूर जाके खेलने की कोशिश किया था मगर कामयाबी नहीं मिली, 45 ओवर 5 गेंद हो चुका है 188 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए देखते हैं टेलर इस ओवर की आखिरी गेंद और अपने ओवर की आखिरी गेंद, और सामना करेंगे यहाँ पर साना, फतिमा साना इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किया था, बॉडी से दूर जाके खेलने की कोशिश किया, बॉल को खेल दिया कवर की तरफ, और इसी के साथ कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो 46 ओवर हो चुका है कंप्लीट है, और पाकिस्तान वुमेन का स्कोर 188 रन 6 विकेट के नुकसान पे। इस बार नायदा दौर है स्ट्राइक पे, 55 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं नायदा दौर, और दूसरी तरफ साइना फतिमा साना जो कि 4 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं। तो भाई कोलकाता है, मैं पहली बार है क्या पाल बाजार है क्या, कलकत्ता जादवपुर में पाल बाजार जरूर है भाई शुभम पाल जी, तो आपको मालूम नहीं है आप 8B बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे तो वहां पर आपको पाल बाजार जरूर मिल जाएगा। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 6 लाइक दूर है भाई 50 लाइक पूरे करने के लिए। तो देखते हैं भाई कौन भाई है जो कि इतनी जल्दी मुझे 50 लाइक तक पहुंचाता है। तो चलिए देखते हैं, अभी भी 4 ओवर बाकी है पाकिस्तान वुमेन का खेलने के लिए नायदा दौर, और सामना करेंगे मुझे लगता है फिर से एक बार सेलमैन आए हैं बॉलिंग डालने के लिए। तो भाई थैंक यू सो मच भाई, देखिए भाई लोगों ने लाइक करना चालू कर दिया है, और इसी तरीके से लाइक करके हमको 50 लाइक तक जरूर पहुंचा देगा भाई। और चलिए देखते हैं बॉलिंग करने आए हैं, फर्स्ट बॉलर आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए, और कुनेल मुझे लगता है बॉलिंग करने के लिए आए हैं, और सामना करेंगे इस बार नायदा दौर। भाई तुम हिंदी क्लियर बोला करो, रोज हिंदी बोला करो, भाई मैं तो रोज हिंदी बोलते हूँ और बोल भी रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार फुल लेंथ की बॉल, बॉल को ड्राइव कर दिया कवर की तरफ, सिंगल के लिए दौड़ पड़े थे मगर यहां पर आखिरकार मना कर दिया नायदा दौर ने, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 46 ओवर एक गेंद हो चुका है 188 रन बने 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार नायदा दौर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस बार सेलमन की गेंद का, इस ओवर की दूसरी गेंद, सेलमन बॉलिंग करता हुआ और सामना करेंगे नायदा दौर। तो भाई इसे बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर सेलमन बॉलिंग करता हुआ नायदा दौर को, इस ओवर की दूसरी गेंद, और यहाँ पर नायदा दौर आउट हो चुके हैं भाई, बेहतरीन गेंद यहाँ पर सेलमन का, आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, बॉल बॉडी से दूर जाके खेला था और हाव में बॉल थी, बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर मौजूद थे, बॉल को कैच ले लिया गया है, और इसी के साथ नायदा दौर 55 रनों के स्कोर पे आउट हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है पाकिस्तान वुमेन का 188 रन 7 विकेट के नुकसान पे। भाई 7 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर वो 188 रन बने हैं, और देखना होगा नायदा दौर का कैच कौन लिया है भाई, यहाँ पर विकेट गिरता हुआ पाकिस्तान का 7वां विकेट, 46 ओवर 2 गेंद 188 रन 7 विकेट के नुकसान पे आउट होता हुआ नायदा दौर, जो कि काफ़ी बेहतरीन खेल रहे थे, 71 गेंदों पे इन्होंने 55 रन बना के आउट हो गए। सलमान का पहला विकेट यहाँ पर नायदा दौर। तो भाई बने रहिए, ब्याग आए हैं बैटिंग करने के लिए, ब्याग आए हैं इस बार ऑफ मतलब लेग ऑफ स्टंप को छोड़ के खेल रहे थे इस बार नायदा दौर, बड़ी हिट लगाने की कोशिश किया था मगर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डर मौजूद था, बॉल को कैच कर लिया गया और नायदा दौर 55 रनों की स्कोर पे आउट हो चुके हैं। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब। डायना ब्याग आए हैं भाई बैटिंग करने के लिए, और कैच लिया है डॉट इन ने कैच लिया है भाई नायदा दौर का।
तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आते भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ फातिमा साना और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 189 रन 7 विकेट के नुकसान, 189 रन बन चुका है भाई, 189 रन बन चुका है 7 विकेट के नुकसान पे 46 ओवर 3 गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बियाग है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस बार सलमान की गेंद का। इस ओवर की चौथी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल डालता हुआ बियाग को, बियाग ने इस बार खेलने की कोशिश किया, बॉल बैट के निचले हिस्से में लग के वन बम्स यहाँ पर विकेट कीपर के दस्ताने पे गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर और कोई रन भी नहीं बने। 46 ओवर 4 गेंदों के बाद 189 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे। और इस ओवर की पांचवी गेंद फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ सेलमैन, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ बियाग को, इस बार फुल लेंथ की बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टैम्प, बॉल को ड्राइव कर दिया पॉइंट की तरफ, रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे मगर आखिरकार फतिमा साना ने उनको वापस भेज दिया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो यहाँ पर 46 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद सिलमन बॉलिंग करने के लिए तैयार और सामना करेंगे इस बार बियाग फिर से एक बार। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार बियाग बॉलिंग करता, बियाग को बॉलिंग करता हुआ सलमान, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार ऑफ स्टैंप से बाहर बॉल था, बॉल को खेल दिया है बैक यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ 47 ओवर कंप्लीट हो चुका है, 190 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे। भाई पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर बन चुका है 190 रन 7 विकेट के नुकसान पे। दोनों के बीच पार्टनरशिप अभी अभी आए हैं, बियाग और फातिमा साना खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह लाइक करो भाई को सपोर्ट जरूर करो भाई। तो बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है भाई और पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर लग नहीं रहा था कि यहाँ पर बन जाएंगे 190 के करीब रन बन जाएंगे मगर बन तो गए हैं और देखना होगा ये रन जो है 210 215 तक पहुंचते हैं कि नहीं। भाई कौन जीतेगा, शुभम पॉल जी आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात करें कि वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट जो है वुमेन्स क्रिकेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान को 3 T20 में हार का सामना करना पड़ा था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रिमेंडस फॉर्म में है वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स टीम अभी और इससे ये इनका होम ग्राउंड है तो इसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो देखना होगा कि यहाँ पर स्कोर जो है चेजेबल होते हैं कि नहीं। क्या और इस बार फ्लिक कर दिया इस ओवर की दूसरी गेंद और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ वियाग और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 191 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे 47 ओवर 2 गेंदों के बाद। और इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बार बॉल वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इसी वाइड बॉल के साथ स्कोर हो चुका है 192 रन, राइट आर्म ओवर द विकेट था और इस बार वाइड बॉल और इसी वाइड बॉल के साथ 192 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको 200 होता तो फिर मैच ठीक होगा। दो शुभम पॉल जी आपको बता दें 220-225 रन बनते तो थोड़ा सा जो मैच पे है एक तरफा सा मैच नहीं होता भाई, फाइट होता मैच पे। इस बार लेग स्टैम पे आई बॉल को फतिमा साना ने खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, डीप फाइन लेग में फील्डर मौजूद था और सिंगल लेता हुआ इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 193 रन 7 विकेट के नुकसान पे। भैया अगले विकेट का कैच कौन लिया, भाई डी डॉटन ने लिया, डी डॉटन ने कौन सी पोजिशन पे भाई, कौन सी पोजीशन में, ये तो इस बार आगे निकल के आए भाई। यहाँ पर बियाग ने खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है, सिंगल लेता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 47 ओवर 4 गेंदों के बाद 194 रन 7 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए, फतिमा साना है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ मैथ्यूज की गेंदबाजी चल रही है भाई। इस बार हल्का सा मिड ऑन के तरफ खेल दिया था, फील्डर मौजूद था वहां पर बॉल को डीप मिड ऑन पे और सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 195 रन 7 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, मुझे भी लगता है कि 210 रन तो आराम से बनने चाहिए और इस बीच फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ बियाग, फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ, नाइदा धर रहती तो शायद यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बन सकता था पाकिस्तान वुमेन्स का, 210 आराम से बन सकता था अगर नाइदा धर रहती तो। मगर इस बीच बता दें 48 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 48 ओवर के बाद 196 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे।
तो चलिए देखते हैं। तापस आरिस जी कहते हैं कि मैंने बोला था पहले ही 210 प्लस बनेंगे। चलिए देखते, तापस आरिस जी आपका प्रेडिक्शन मोटा मोटी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक जरूर करें, और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थोड़ी देर में यहाँ पर अगले 2 ओवर होने वाले हैं, तो बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर है तो भाई चैनल को साथ। यहाँ पर ब्याग है स्ट्राइक पे, जी हाँ, मैथ्यूज ने अपना 7 ओवर में 37 रन दिए। मैथ्यूज को अभी तक कोई सफलता नहीं मिला है, और देखना होगा ब्याग इस ओवर में कौन आते हैं बॉलिंग करने के लिए। मुझे लगता है सेलमैन आएंगे बॉलिंग डालने के लिए। कासव सिंह जी हमारे साथ, केशव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, 220 बोल रहे हैं ये, तो देखना होगा 220 बनते हैं कि नहीं। ब्याग है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ ब्याग को, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बॉल, इस बार बॉडी से दूर जाके खेल दिया था, बैट का एज लिया, बॉल चला गया है थर्ड मैन की तरफ, डीप थर्ड मैन में फील्डर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए, और सिंगल मिलेगा, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 197 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पिच में तुम है क्या? जी हाँ भाई, मैं तो पिच में हूँ। चलिए देखते हैं पिच में कौन है। सूर्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, थैंक यू सो मच सूर्य प्रताप जी जुड़ने के लिए। और चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और इस बार फतिमा साना है स्ट्राइक पे, और इस ओवर की दूसरी गेंद हो चुका है और इस कोई रन नहीं बने। ये दूसरी गेंद जो थी ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल था, मगर बॉडी पहले ही पीछे हट गए थे यहाँ पर फतिमा साना, लेग स्टंप पे जाके यहाँ पर रूम बनाने की कोशिश में थोड़ा सा बॉल जो है वाइडर हो चुका था। और फिर से एक बार सेलमैन बॉलिंग डाल रहे हैं भाई। भाई पिच तो अभी जितना देखा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी, और इस बार फिर से एक बार खेल दिया है बॉल को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेता हुआ फतिमा साना, और लगातार यहाँ पर सिंगल लेने से काम नहीं बनेगा भाई। 198 रन बने 7 विकेट के नुकसान पे। पिच तो अच्छा है, बैलेंस्ड पिच है भाई, यहाँ पर बैट्समैनों को तो थोड़ा बहुत मदद तो मिल रहा है भाई, बड़ी शॉट लगा नहीं पा रहे हैं, मगर वो काफ़ी पेस, वो पेस अटैक जो है पेस अटैक काफ़ी अच्छा है। और इस बार आगे निकल के आए, बॉल को खेलने की कोशिश किया था, ठीक पे टाइमिंग नहीं हुआ, बॉट चला गया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेता हुआ यहाँ पर 199 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे 48 ओवर 4 गेंदों के बाद। और फिर से एक बार बेहतरीन शॉट यहाँ पर फातिमा साना ने इस बार सिंगल लिया है, और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 200 रन पूरे हो गए भाई पाकिस्तान के। यहाँ पर भाई पार्टी होनी चाहिए, यहाँ पर 200 रन पूरे कर लिया पाकिस्तान वुमेन्स का टीम, 48 ओवर 5 गेंदों पे 200 रन पूरे हो गए पाकिस्तान वुमेन्स टीम का 7 विकेट के नुकसान पे। इस बार ब्याग है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे यहाँ पर सेलमैन की आखिरी गेंद का, इस ओवर की आखिरी गेंद। वेस्ट इंडीज ओपन कौन करेगा बताओ भाई, सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, यहाँ पर वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपन कौन करेगा भाई, किसी को पता है तो भाई कमेंट करके उनको सही में जानकारी दीजिए। तो चलिए देखते हैं। इस बीच फिर से एक बार ब्याग ने आखिरी बॉल पे सिंगल लिया है, इस बार फुल लेंथ की बॉल थी, बॉल को ड्राइव कर दिया था मिड ऑफ के तरफ, फील्डर मौजूद था वहां पर बॉल को रोकने के लिए, और इसी के साथ 49 ओवर खत्म हो चुके हैं। 49 ओवर में पाकिस्तान वुमेन्स का स्कोर 101 रन 7 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ उमा दास जी, मुझे भी लगता है कि मैथ्यूज तो जरूर आ सकते हैं, साथ में डॉटिन आएंगे, ये देखने वाली बात होगी बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच। भाई बैलेंस्ड पिच है, और बॉलर को अच्छा खासा मदद यहाँ पर मिल रहा है, बैट्समैनों को भी मदद मिल रही है, तो देखना होगा। यहाँ पर बैलेंस पिच है भाई, पिच में पेसर को हल्का सा मदद यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। पेसर को अच्छा उछाल मिल रहा है, स्विंग मिल रहा है, विकेट भले ही ना पेसर को ज़्यादा नहीं मिला हो, मगर पेसर को अच्छा खासा फैसिलिटी मिल रहा है भाई, स्विंग मिल रहा है और बाउंस भी मिल रहा है। कोनेल जी हाँ, आखिरी ओवर डालेंगे कोनेल, कोनेल बॉलिंग डालेंगे, और सामना करेंगे ब्याग, और ब्याग को फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, और आगे निकल के आए थे, बॉल को ड्राइव कर दिया था, और यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो, जी हाँ डायरेक्ट थ्रो विकेट पे लगी, यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो विकेट पे लगी, और यहाँ पर ब्याग आउट हो चुके हैं, रन आउट हो गए ब्याग, और रन आउट करने वाला खिलाड़ी देखना होगा कौन, 8वां विकेट गिर चुका है, यहाँ पर 8वां विकेट गिर चुका है
बियाग आउट हो चुके हैं, रन आउट किए हैं भाई, देखना होगा कि कौन रन आउट किए हैं। जबरदस्त थ्रो, अच्छी आर्म थ्रो मिड ऑन के तरफ से, मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे और इसी के साथ आठवां विकेट गिरता हुआ। 49 ओवर एक गेंद, 201 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए। कौन किया डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट थ्रो किसने किया भाई, ये तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा भाई। बियाग आउट हुए हैं भाई इस बार, फिर से एक बार कॉर्नर की गेंद और इस बार सिंगल। जी हाँ, डायरेक्ट थ्रो और बियाग आउट हो चुके हैं और रन आउट किया है भाई कॉपर ने, ब्रिटेनी कॉपर ने रन आउट किया भाई, ब्रिटेनी कॉपर ने रन आउट किया है। तो चलिए देखते हैं इस ओवर की दूसरी गेंद और लेग बाई का ऐसा राम प्यार का, और इसी लेग बाई के साथ एक रन मिलता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 202 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कॉर्नेल फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे यहाँ पर सिंधु। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ सिंधु को, इस बार फुल लेंथ बॉल, स्लोअर बॉल था, बॉल को अच्छा पिक किया, यहाँ पर कैच मिल सकता था मिड ऑन के तरफ, फील्डर मौजूद था मगर कोई, यहाँ पर सिंगल जरूर मिला है और इसी सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है भाई 203 रन। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ, और यहाँ पर साना, फतिमा साना सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ फतिमा साना को, इस बार आगे निकल गया, हार्ड हिट किया है बॉल को, बॉल चला गया मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर कैच ले लिया गया है। जी हाँ, साना का कैच ले लिया गया है और फतिमा साना 9 रन बना के आउट हो चुके हैं 203 पे 9। जी हाँ, 203 पे पाकिस्तान वुमेन का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज का कॉपर कौन से नंबर पे आता है भाई, यहाँ पर वेस्ट इंडीज का कॉपर कौन से नंबर पे आता है, इसके लिए आपको वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज का कॉपर कौन से नंबर पर बैटिंग करने आता है। चलिए आखिरी बॉल है कोनेल का और सामना करेंगे इकबाल, और पुल कर दिया बॉल को, सिंगल लेता हुआ। जी हाँ, सिंगल जरूर मिला है और इसी सिंगल के साथ 205 रन भाई, 50 ओवर में पाकिस्तान वुमेन्स ने 205 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। थोड़ा सा एक बार स्कोर कार्ड की तरफ नजर उठा के देख लेता हूं, यहां पर अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो आप यहां पर स्कोर कार्ड देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इस तरीके से रन बने हैं। आपको बता दें मुनीबा अली और आयशा जाफर ने ओपन किया था, मुनीबा अली रन आउट हो गए और नेसेन और नाइट ने मिलकर रन आउट किया उनको, 36 रन बनाए उन्होंने 51 गेंदों पे। उसके बाद आउट हुए जवीरा खान जिनको LBW आउट किया था, मोहम्मद ने 5 रन बना के वो आउट हो गए। आयशा, उसके बाद सोहेल बेनिटी कॉपर और विकेट लिया मोहम्मद ने,
उसके बाद आयशा जाफर 46 रन बना के आउट हुए। नाइदर दौड़ ने जबरदस्त पारी खेला है 71 गेंदों पे 55 रनों का, और उसके बाद वो भी आउट हो गए। सेलमैन ने विकेट लिया है और डॉटिन ने कैच लिया था। लगातार यहाँ पर अच्छी बॉलिंग किया था बॉलरों ने। अगर बैटिंग सेक्शन बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर बॉलिंग भी देख सकते हैं किस तरीके से वेस्ट इंडीज के बॉलरों ने बॉल किया है। और बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है और देखना होगा। पाकिस्तान वुमेन्स ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर लिया है 205 रनों का 9 विकेट के नुकसान पे। अब वेस्ट इंडीज़ की पारी है कि वेस्ट इंडीज टीम इस रन को कैसे चेज करती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वुमेन्स इस रन को कैसे डिफेंड करती है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपसे ज्वाइन होता हूँ। तब तक के लिए भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है तो आखिर तक जरूर बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा भाई, तो बने रहिए हमारे साथ। आज पाकिस्तान वुमेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए हैं 50 ओवर में, तो देखना होगा कि वेस्टइंडीज की तरफ से कैसे स्टार्टिंग होता है, उसको देख के ही पता चलेगा कि आज का जो ये रन है पाकिस्तान वुमेन्स का, ये वेस्टइंडीज चेस कर पाती है कि नहीं। तो थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा भाई, बने रहिए हमारे साथ। तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोचक मैच होने वाला है, काफ़ी रोचक मैच होने वाला है, और ये मैच आगे देखना होगा कि यहाँ पर जो है इनिंग्स ब्रेक हुआ है, और इनिंग्स ब्रेक के बाद कैसे कमाल का मैच होने वाला है। आज पाकिस्तान वुमेन्स जिस तरीके से खेला है उसको देखते हुए लगता है कि आज पाकिस्तान वुमेन्स इस मैच को हारना नहीं चाहेगी इस पोजीशन से। बात करें नायदा दौर की, तो नायदा दौर ने एक जबरदस्त इनिंग्स खेला है 71 गेंदों पे 55 रनों की, और इफ यू आर श्योर भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, तो देखना होगा कि आज के मैच में यहाँ पर क्या कमल करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की अगर बात करें, पाकिस्तान बॉलिंग अटैक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर सोहेल भी बॉल डाल सकते हैं, फतिमा साना बॉलिंग डालते हैं, और इकबाल बॉलर है, 3 मैच खेले हैं अभी तक, और यहाँ पर याना ब्याद संधु भी बॉलिंग डालते हैं, नायदा दौर भी तो अच्छे बॉलर हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर याना ब्याद की अगर बात करें, तो याना ब्याद ने अभी तक 26 ODI खेले हैं, जिसमें 26 ODI में 32 विकेट निकाल चुके हैं, बेस्ट है 30 रन दे के 4 विकेट भाई। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है डायना बियांग, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग डालता है। फतिमा साना की अगर बात करें, फतिमा साना 5 मैच खेले हैं अभी तक, 3 विकेट निकाले हैं, तो एक पार्ट टाइम बॉलर है। और बात करें कि यहाँ पर नसारा सिंधु का जो बॉलिंग करियर है वो 34 मैच खेले हैं अभी तक, 45 विकेट ले हैं, 34 मैचों में 45 विकेट, काफ़ी अच्छा बॉलिंग एक्शन है इनके, 26 रन देके 4 विकेट, इनका सबसे हाईएस्ट बेस्ट है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात यहाँ पर यहाँ पर अगर बात करें कि टीमों की, तो यहाँ पर पाकिस्तान वुमेन्स ने आज पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पे, उसके जवाब में वेस्ट इंडीज वुमेन्स अभी तक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है वो वेस्ट इंडीज वुमेन्स का इनिंग्स। तो देखना होगा कि यहाँ पर मैदान पे खिलाड़ी धीरे धीरे आता हुआ, मैदान पे खिलाड़ी धीरे धीरे आ रहे हैं, और थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे ना दबाए चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए, यहाँ पर थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और भाई और 5 मिनट का वक्त बाकी है मैच को स्टार्ट होने में, तब तक बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा। बात करें नसारा सिंधु की, तो सिंधु का ODI करियर काफ़ी अच्छा है, 34 मैच खेले हैं अभी तक, 45 विकेट ले चुके हैं, और इकोनॉमी काफ़ी अच्छा, 4.15 का इकोनॉमी रेट है, 4.15
1.5 का इकोनॉमी रेट है, बेस्ट सबसे हाईएस्ट विकेट लिया है इन्होंने, 26 रन देके 4 विकेट ओडीआई करियर में। तो देखना होगा कि आज उस जो उनका जो अच्छा परफॉर्म है उसको बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यह मैच बहुत ही मायने रखता है, बहुत अहम है। और इस जो एक अच्छा स्कोर बना लिया है पाकिस्तान वुमेन्स 205 रनों का, तो यहां से पाकिस्तान वुमेन और मैच पे हारना नहीं चाहेगी। तो देखना होगा, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा। भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई यहाँ पर जो है मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। और मैदान पे खिलाड़ी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं और पाकिस्तान वुमेन्स का टीम, और देखना होगा कि अब तक मैच स्टार्ट होता है।
तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर रहते तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी मैदान पे आ चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस सेशन चल रही है अपन पाकिस्तान ने। आज वेस्ट इंडीज़ ओमेंस ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, पहले फील्डिंग किया और यहाँ पर पाकिस्तान का अच्छा ओपनिंग साझेदारी बना था 70 रनों का, जो कि यहाँ पर अली यहाँ पर जाफर के और अली के बीच में बना था। अमन राज जी थोड़ा सा संयम बरते और आपको बता दे कि स्टार्ट अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, मैच स्टार्ट होने से लाइव कमेंट्री आपके साथ हाजिर हो जाएगा। तो घबराइएगा मत, बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर रहते तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अमन राज जी मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ दिक्कतें हैं लाइव दिखाने के लिए, तो उस दिक्कत को मैं पार नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं आपको लाइव भी नहीं दिखा सकता। एडजस्ट कर दीजिए भाई अमन राज जी और हमारे साथ बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई। और उम्मीद है कि यहाँ पर थोड़ी देर में अच्छा खासा मैच स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है भाई। रतन विश्वास जी विन सर कौन विन भाई, यहाँ पर मुझे लगता है कि रतन विश्वास जी यहाँ पर आपको बता दे कि मुझे लगता है कि मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और कोई भी टीम जीत सकता है क्योंकि पाकिस्तान वुमेन ने एक अच्छा स्कोर बना लिया, फाइटिंग स्कोर बना लिया है पाकिस्तान वुमेन ने आखिरकार 205 रनों का। अब देखना होगा बॉलिंग जितनी अच्छी करेंगे, अगर पाकिस्तान इस मैदान पे हम लोगों ने देखा है कि पेसर और स्पिनर दोनों को थोड़ा सा मदद जरूर मिलता है और बैटिंग पीछे है भाई। पहले जो जो विकेट बैटिंग कर रहे थे वो उसमें मालूम ही नहीं चल रहा था कि बैट जो पीच है थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है, बैटिंग बैट्समैन को मदद यहाँ पर मिल रहा था, मगर देखना होगा यहाँ पर। जी अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, मैच को स्टार्ट होने दीजिए और पहला 5 ओवर देख के ही पता चल जाएगा कि कौन जीत सकता है। मैच का 5 ओवर देख के ही पता चल जाएगा आपको कि कौन जीत सकता है। बॉलिंग में सेकेंड इनिंग्स में मदद मिलता है कि नहीं देखना होगा, कि पेसर को बाउंस मिलता है कि नहीं, स्विंग मिल रहा है कि नहीं, ये सब देख के ही पता चल जाएगा कि कौन मैच जीत सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है, फाइटिंग होगा, फाइट होगा भाई इस मैच पे, और जो भी टीम जीते वो अच्छा तरीके से जीतना होगा, वहाँ फाइट करना पड़ेगा जीतने के लिए, आसान जीत आसान नहीं होगा। तो बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अजय नायदा दौर ने एक बहुत ही अच्छा पारी खेला है, 71 गेंदों पे 55 रनों की। आयशा जाफर ने भी अच्छा पारी खेला है, 70 गेंदों पे 46 रनों की। और बात करें यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की तो स्टाफन से टेलर, जी हाँ स्टाफन सेलर ने टेलर ने 29 रन देके 3 विकेट लिए हैं। मोहम्मद ने 2 विकेट निकाले हैं 31 रन देके 10 ओवर में, और कॉर्नेल ने 1 विकेट निकाले हैं और सेलमन ने 1 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोचक मैच होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए। जी हाँ, अम्पायर्स मैदान पर आ चुके हैं, अम्पायर्स मैदान पर आ रहे हैं भाई। आपको बता दें कि अंपायर्स मैदान पे आ रहे हैं भाई,
अंपायर्स जो है मैदान पे आ रहे हैं और मैच थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। मैच जो है थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी मैदान पे आ रहे हैं भाई, पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी मैदान पे आ रहे हैं, तो बने रहिए थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी मैदान पे आ रहे हैं। नायदा दौर आज देखना पड़ेगा कि बॉलिंग में कामयाबी मिलते हैं कि नहीं नायदा दौर को। अमन राजी आप लाइव दिखा रहे हैं हम लोग को, भाई दिखा दीजिए भाई, नहीं दिखा सकते भाई अमन राजी। और बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कितना टाइम लगा रहा है? जी हाँ रवीन ठाकुर जी, यहाँ पर मैच स्टार्ट होने जा रहा है, प्लेयर्स आ चुके हैं मैदान पे। जी हाँ प्लेयर्स आ चुके हैं मैदान पे और ओपनिंग बैट्समैन अभी तक नहीं आए हैं, और आने दीजिए ओपनिंग बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन को आने दीजिए और बॉलिंग एक्शन के लिए तैयार है बॉलर। देखना होगा कि बॉल कौन डाल रहे हैं। पाक विल विन टुडे भाई रवि सिरोय जी, मुझे भी लगता है कि आज पाकिस्तान वोमेंस भाई मैच में फाइट करेगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जी हाँ मैदान पे ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं, मैदान पे ओपनर आ चुके हैं भाई, बने रहिए लाइक ज़रूर कीजिए और यहाँ पर मैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, मैच स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ भैया जी हाँ रवि सरोज जी, हम भी मुझे भी लगता है कि यहाँ पर आज पाकिस्तान वोमेन फाइट करेगा भाई। के लिए टेलर टेलर आए हैं, साथ में है नाइट, नाइट है साथ में, टेलर के साथ में है भाई नाइट। और पहली गेंद लेग बाई की तरफ से चार रन के लिए, लेग बाई का इशारा अंपायर का और चार रन, लेग बाई का इशारा अंपायर का और चार रन मिल गए और इसी चौके के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, एक गेंदों पे चार रन, लेग बाई का से चार आया। मैथ्यूज जी हाँ मैथ्यूज एंड नाइट, मैथ्यूज है स्ट्राइक पे, सामना करेगी इस ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, व्याक की गेंद, इस बार फुल लेंथ की बॉल अंदर की तरफ आई, बॉल को डिफेंड कर दिया, अच्छी बॉल यहाँ पर, स्लो मीडियम था, बॉल अंदर की तरफ आई थी और बॉल को अच्छी तरीके से डिफेंड कर दिया सीधा बॉलर के हाथ में, और दो गेंद हो चुके हैं, दो गेंदों पे रन बन चुका है चार रन। हम भाई कोई कम नहीं, हम भाई कोई कम नहीं। रवीन ठाकुर जी यहाँ पर काम तो चल रहा है भाई, चलिए देखते हैं। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, मैथ्यूज को राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, बेहतरीन शॉट, जी हाँ बेहतरीन शॉट और फ्लिक कर दिया है इस बार बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो तीन गेंदे हो चुके हैं, तीन गेंदों पे सिर्फ चार रन बने हैं, तीन गेंदों पे सिर्फ चार रन बने हैं भाई, तीन गेंद हुए हैं, तीन गेंदों पे सिर्फ चार रन बने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तीन गेंदों पे चार रन बने हैं भाई। तो फिर से एक बार बियाग बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस ओवर की चौथी गेंद, और इस बार फुल लेंथ की बॉल, बॉल को फिर से एक बार डिफेंड कर दिया है मैथ्यूज ने, और इसी के साथ लगातार डॉट बॉल होता हुआ। तो चार गेंदों पे सिर्फ चार रन बने भाई। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चार गेंदों पे सिर्फ चार रन बने हैं, और फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, और यहाँ पर बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश मगर कामयाबी नहीं मिली रन देने में, उतनी ही अच्छी फील्डिंग किया गया है बॉल फील्डर की तरफ से, और इसी के साथ पांच गेंदों पे चार रन बने हैं, पांच गेंदों पे चार रन बने हैं भाई, पांच गेंदों पे चार रन बने हैं। और आपको बता दें फिर से एक बार बॉलिंग कर लिया तैयार इस ओवर की अगली गेंद, बियाक है बॉलर, आखिरी गेंद इस ओवर की, बियाग बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे मैथ्यूज, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ मैथ्यूज को, और यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर बॉल डाल दिया है, वाइड बॉल का इशारा और इसी वाइड बॉल के साथ पांच रन बने हैं, और इसी के साथ पांच रन बने हैं भाई, पांच रन बने हैं, ज्यादा रन नहीं बने हैं,
यहाँ पर पांच गेंदों पे 5 रन बनाया और यहाँ पर फिर से बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल था ये, और इसके चलते वाइड दिया है अंपायर ने, और इसी वाइड बॉल के चलते स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 5 रन बनाए भाई। तो भाई बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैथ्यूज है स्ट्राइक पे, अभी तक अपना खाता नहीं खोले हैं और सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार मैथ्यूज को, काफ़ी बेहतरीन गेंद यहाँ पर, और पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहली ओवर में रन बन चुका है 5, वेस्ट इंडीज वोमेंस का स्कोर जो है 5 रन बना है पहली ओवर के बाद। तो काफ़ी अच्छा बॉलिंग डालता हुआ यहाँ पर, इस आखिरी बॉल पे अपील जरूर किया था मगर जो है यहाँ पर अंपायर ने इसको आउटसाइड द ऑल लेग स्टंप कहा और कोई आउट नहीं। तो पहली ओवर खत्म हो चुका है, पहली ओवर के बाद वेस्ट इंडीज वोमेंस का स्कोर जो है 5 रन, एक कोई भी आउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इस बार नाइट है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे, इस बार मुझे लगता है कि बॉलिंग डालेंगे सिंधु आएंगे शायद बॉलिंग डालने के लिए, तो देखना होगा कि कौन आते हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखना होगा कि यहाँ पर साना, जी हाँ फतिमा साना आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए, फतिमा साना आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए। पहली ओवर डालेंगे इस बार, राउंड द विकेट बॉल डालने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर नाइट जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को फतिमा साना आए हैं भाई बॉलिंग डालने के लिए और तैयार हो रहे हैं इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। और यहाँ पर बेहतरीन बॉल, इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार फतिमा साना, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर चल रही है। ओह बॉलर को स्टॉप करवा दिया गया है, जी हाँ बॉलर को स्टॉप करवा दिया गया है, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे नाइट को लगा कि साइड स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अंपायर को बताते हुए, और अंपायर साइड स्क्रीन को थोड़ा सा यहां पर ठीक करने के लिए कहता हुआ। चलिए नाइट है स्ट्राइक पे और इस ओवर की पहली गेंद, और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ, और इसी डॉट बॉल के साथ स्कोर जो है 1 ओवर 1 गेंद हो चुका है, 1 ओवर 1 गेंदों पे रन बन चुका है 5 रन। बात करें यहाँ पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है, और जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मदद यहाँ पर पेसर को जरूर मिल रहा है, और फतिमा साना को लाने का मतलब ही यही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक विकेट निकालना चाहती है पाकिस्तान का कप्तान। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ साना, फतिमा साना राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार, फिर से एक बार डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर फतिमा साना की राइट।